अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोजन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे पुतना को बध दिया है। भगवान राम और कृष्ण ये दोनों ने एक चीज को सिखा दिया है, अगर कोई अपना हृदय में भगवान को बैठना चाहते हैं सबसे पहले पुतना को मारो। बोले पुतना मतलब क्या है? बोले पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है, जो अविद्या है जो पाप है। इसलिए भगवान राम भी बताओ तो प्रभु राम सबसे पहले किसको मारे बोलो? हाँ ताड़का को मारे। इसलिए ये ताड़का मतलब क्या होता है? बोले ताड़यति इति ताड़का, जीव को जो भगाता है। बोले संसार में जीव को कौन भगा रहा है? बोले ये काम क्रोध लोभ मोह यही हमें संसार में भटका रहे। इसलिए दोनों ठाकुर भी शिक्षा देते हैं अगर हृदय में भगवान को बैठना तो ये पुतना और ये ताड़का को सबसे पहले मारनी चाहिए। ए बच्चों बात मत करो, ये बच्चों को मना कर बात नहीं कर। मुंह में अंगुल देकर बैठो। हरे कृष्ण। अभी जब भगवान पुतना को मारे नंद बाबा को पता चला ये पुतना बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आई थी लेकिन निकली ये राक्षसी। नंद बाबा ने कड़ी बड़ी नंदी बाबा ने कड़ी उन्होंने आदेश दे दिया। बोले देखो जैसे तैसे व्यक्ति को अंदर में घुसने मत दिया करो, कोई अगर अंदर में आना चाहे तो मेरे को नहीं तो जसोदा को सबसे पहले खबर दिया जाए, अगर इनके आदेश हो तभी किसको अंदर में आने दिया जाए। शंकर जी ने देखा प्रभु को, सारे लीला तो हमने देखा है लेकिन इनकी बाल गोपाल लीला को हमने देख नहीं पाए। विश्व ब्रह्मांड को जो पार करने वाले अभी मैया जसोदा उनको अंगुल पकड़ करके उनको ठुमुक ठुमुक करके चलना सिखाता, विश्व ब्रह्मांड को जो खिलाने वाले कृष्ण को अगर भूख लगे तो कृष्ण रोते हैं फिर मैया जसोदा फिर उनको भोजन देती है। इसलिए बोले ये लीला तो हमने देखो ही ना। शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार किए लेकिन शंकर जी को कहते ना सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन नाम तो उनको सत्यम शिवम सुंदरम लेकिन उनकी ऊपर का जो बेस है ना बड़े अभद्र बेस है। आप बताओ शंकर जी शरीर में क्रीम लगाते ना पाउडर ना और क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं? कहाँ के राख लगाते हैं? कहते ये कोई अच्छे जगह के राख नहीं लगाते हैं, कहते शमशान की राख लगाते हैं। बोले क्यों? कारण क्या है? शंकर जी बहुत सारी शिक्षा देते हैं। बोले पहला कारण सिखाते हैं जिस शरीर को हम इतने क्रीम लगाते हैं और बढ़िया साबुन से शैम्पू से धोते हैं, चबन प्रास खाते हैं और क्या क्या शरीर को बनाने के लिए खाते हैं लेकिन ये शरीर का परिणाम क्या है? बोले दो मुठ्ठी राख है, अंतिम समय में ये राख बनने वाले हैं। कहते ये राख क्यों लगाते हैं, चंदन क्यों नहीं लगाते हैं? बोले चंदन तो मेरे प्रभु भगवान राम और कृष्ण की सेवा में ये चीज लगने वाली, अगर इसको मैं लगाऊंगा तो ठाकुर को सेवा में कमी हो जाएगी। इसका तीसरा कारण बताए। अब देखना जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसको चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं और क्या क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। बोले कब तक ये बोलते हैं? बोले जब तक उसको कंधे पर धारण करते। देखना कंधे से उतारते हैं ना, बोले बीवी सच्चा है, बेटा सच्चा है, पैसा सच्चा है, फिर तो राम नाम सत्य नहीं। शंकर जी सोचते हैं भैया ये शरीर में कुछ ताकत है क्योंकि जब तक इसको कंधे में धारण करे तब तक तो राम नाम सत्य बोलते हैं लेकिन कंधे को उतारते ही फिर राम नाम सत्य नहीं, दुनिया सच्चा है। इसलिए शंकर जी
जब वो शरीर में वो राख को मलते हैं ना, राख को देखते ही याद आता है। बोले भैया शरीर में ज्यादा प्रेम मत करो, प्रेम करना तो ठाकुर को प्रेम करो, क्योंकि साथ में जाने वाले भगवान की नाम ही साथ में जाने वाले हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कहते शरीर शंकर जी शरीर ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है? कोई बेली चमेली केतकी मालती ये फूल नहीं चढ़ता है, धदुरे और आतन एकदम जहरीले फूल जो भगवान कृष्ण राम की सेवा में नहीं लगता है, जो अपने आप को लगाते ही नहीं, ये वृक्ष को अपने आप जंगल में होता है। शंकर जी कहते नहीं, जितने बढ़िया बढ़िया फूल तो मेरे प्रभु की सेवा के लिए, जो फूल मेरे प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं उसको मैं ग्रहण करूंगा। अगर बढ़िया बढ़िया फूल चंदन लगाऊंगा तो सारे फूल चंदन मेरे भक्त मेरे को धारण कराएंगे, मतलब प्रभु की सेवा में कमी हो जाएगी, क्योंकि शंकर जी भगवान की सबसे कहते सीम सम को रघुपति व्रतधारी, कहते शंकर जी के बराबर कोई भगवान की भक्त हो ही नहीं सकते। हम आगे सुनेंगे शंकर कैसे गोपीश्वर बन करके शंकर जी आते हैं, इसलिए शंकर जी ये सब सिखा देते हैं। और शंकर जी क्या धारण करते हैं? शंकर जी अलंकार कोई सोने चांदी, शंकर जी सोने चांदी हीरे जवाहरात तो क्या धारण करते हैं? शंकर जी के शरीर में अलंकार क्या है? बोले सर्प है। बोले ये सर्प कौन है? बोले श्री अनंत देव है। ये अनंत देव कौन है? बोले भगवान के गुरु है, शंकर जी के गुरु ये अनंत देव है, इसलिए सिख्या देते हैं अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को अलंकार बनाओ। ये संसार का अलंकार तो मरने से पहले से उतार लेंगे। आप देखना अगर मरते समय अगर किसी स्त्री की नाक में अगर कोई नाक फूल होगा ना, कोई अगर फूल होगा नाक फूल होगा उस समय में बहुत रो रही रोती होगी, हमारी सांस चली गई सांस चली गई, लेकिन बेटे के कान में बोलेगा, बोले बेटा ध्यान देना माँ की नाक में बेसर है उसको उतार कर रख लेना। मतलब कुछ भी हमारी साथ में अंतिम समय में कोई चीज भी, लेकिन पहले क्या करते जाते हो, पहले जब कोई स्त्रियां शरीर छोड़ती थी वो अलंकार कोई नहीं उतारा करते थे, अलंकार समेत उसको जला देते थे, कोई एक चीज नहीं उतारा करते थे हैं, लेकिन अभी एक चीज भी छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए एक चीज साथ में जाएगा, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है। इसलिए शंकर जी अपना गुरु जी को ही अलंकार बना करके रखे, बोले गुरु जी की उपदेश ही जीवन का अलंकार बनाओ जिससे तुम्हारी बड़ा पार हो जाए। इसलिए शंकर जी परम संत हैं, जो संत हैं वो हर समय अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, दिखाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हमारे संप्रदाय में एक संत हुए हमारे गुरु जी को, जो गुरु जी थे वो कहाँ भजन करते थे जानते हो? वो चारों तरफ में मछली का कांटा बिछा देते थे, उसको बीच में हरिनाम करते थे। बोले क्यों? बोले लोग हमें ये समझे ये मछली खाने वाला बाबा है, फिर मेरे पास में कोई नहीं आएगा, इसलिए मछली का कांटा चारों तरफ फेंक करके, और कभी कभी पायखाना में जो पायखाना बंद हो गया कोई व्यवहार नहीं करते हैं उसको अंदर में बैठ करके जोर जोर से वो संत हरिनाम करते थे, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे मेरे भजन में। इसलिए शंकर जी कहाँ पर जाकर बैठ गए? कैलाश में, वो बर्फ के पास में जाकर शंकर जी बैठी गए, मेरे को कहीं तंग नहीं करे। अब देखना शंकर जी की जब ध्यान लगे ना, कल्प कल्प तक शंकर जी की ध्यान लग जाती, ध्यान टूटते नहीं, लेकिन शंकर तो अपने आप छुपाने के लिए कोशिश की लेकिन वो छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके? बोले कारण है शंकर जी के पास में एक बहुत बड़ा चीज है। क्या जानते हो शंकर जी के पास में क्या है जिस वजह से वो अपने आप को छुपा नहीं सके? बोलो, ये तो हो गया। बोले उनकी जटा में श्री पतित पावन श्री गंगा देवी है। बोले श्री गंगा देवी की, जोर से बोलो, बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए शंकर जी अपना जटे में गंगा जी को उन्होंने धारण किया है, भगवान की चरणामृत को धारण किया है, इसलिए शंकर जी अपने आप को शंकर जी छुपा नहीं सके। इतने में शंकर जी अलग निरंजन करते करते भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए, लेकिन नंदा हुआ तो कड़ी पहाड़ अदर लगा दी। बोले अरे गरे व्यक्ति को घुसने मत देना,
ये पुतना को तो मेरे लाला को पुतना ले जा गई थी, कैसे भाग्य से कैसे ठोकर का अगर गिर करके मर गई, नहीं तो ले लेता तो क्या होता, इतने कष्ट से लाला मिला। इतने में शंकर जी आए, देखा दरवाजा पर एक गोपी खड़ी हुई। शंकर जी ने पूछा, मैंने सुना है नंद के एक लाला भयो है। वो गोपी बोली, लाला भयो तो तेरे कहा भयो है? बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दी। बोले बाबा दर्शन फर्शन कुछ नहीं हुई, वो कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो देखने में लग रहा था स्वर्ग से कोई लक्ष्मी उतर करके आई, और तू तो देखने में ऐसे लग रहे हो, तेरे को देख करके मेरी जी घबरा रहा है। हमारा लाला तो अभी छोटा सा है, बड़े जल्दी नजर लग जाती है, लाला भला दर्शन नहीं होगा, जो भिक्षा लेना ले अपना रास्ता देख। इतने में जा करके मैया जसोदा को बोल दी। मैया जसोदा आई, बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैंने सुना तुम्हारी घर के एक लाला भयो है। बोले भयो तो तेरा कहा भयो है? बोले लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद तुम बोले लाला को। बोले बाबा पहले पुतना आ गई थी, सोना चांदी जो लेना ले अपना रास्ता देख, हम लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी बोले, अगर दर्शन नहीं कराओगी ना, फिर मैं ये दरवाजा में तब तक बैठा रहूंगा जब तक लाला बाहर नहीं आएगा, आएगा ना बढ़ाओ करके। बोले मेरे चार दरवाजा है, इधर निकालूंगी नहीं, दूसरे तरफ में निकाल दूंगी। बोले मेरे चार रूप भी है, अभी जाओगे ना, अब नंदगांव में जाओगे कि बच्चों के हाथ उठा दो, तुम पीछे जाओ पीछे जाओ। इसलिए बोले मेरे चार दरवाजा, अभी भी जाओगे नंदगांव में, वहां पर देखोगे, एक तो वहां पर आशीश्वर महादेव देखोगे, वहां के जोगिया कुंड देखोगे, वहां पर शंकर जी अभी भी बैठ करके जो साधन कर रहे हैं, इसलिए वहां पर अभी भी जा करके देखोगे। उसने बोले, बाबा अगर चार जगह पर बैठ गए ना, मेरे 11 दरवाजा मेरी कहीं से तो निकाल दूंगी। बोले मेरा 11 रूप है, 11 रुद्र है ना, इसलिए हर दरवाजा पर बैठ जाऊंगो, कैसे निकालोगे, निकालो दर्शन दिलाओ, नहीं तो जाने वाला नहीं। बोले तू यही बैठी जा, जा। शंकर का त्रिशूल गाड़ करके ठाकुर जी का ध्यान करने लग गए। बोले प्रभु आपके सारे अवतार मैंने दर्शन की, लेकिन ये बाल गोपाल रूप दर्शन नहीं किया, थोड़ा दर्शन दे दो। लेकिन शंकर जी बड़े दयालु, शंकर जी और भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, वो भक्त वत्सल है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सीम साम को रघुपति व्रतधारी, मतलब शंकर जी से जैसे इतने बड़े संत जगत में कोई नहीं है। इसलिए देवदेव महादेव शंकर जी वैष्णवा नाम जथा संभो, हर लीला में शंकर जी किसी ना किसी रूप में ठाकुर को सेवा के लिए आते ही हैं। ठाकुर जी बड़े दयालु, अभी दर्शन देने के लिए ठाकुर जी रोने लग गए, मैया थपथप लगाए, जितने थपथप लगाए उतने जोर से रोए, सारा परिवार दंग रह गए। एक गोपी वाली बाबा, मैया जो बाबा है ना वो वहीं पर अभी भी बैठा हुआ त्रिशूल गाड़ करके और आंख बंद करके कुछ ध्यान कर रहा है, लगता है तेरे लाला के ऊपर में कोई नजर लगा रहा है। ए शंकर जी जोर जोर से डंबर बजाए, और जितने जोर से डंबर बजाए कृष्ण उतना जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोए। बाबा कहते हैं दर्शन के बगैर जाएंगे नहीं। मैया ने काले कपड़े से ओढ़ा करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का बूंद लगा दी, और बड़े कष्ट से ले करके आई। बोले बाबा तू बड़े अखड़ ले दर्शन कर, लेकिन जब एक झलक दर्शन कराया इतने में कृष्ण जो रो रहा था वो जोर जोर से हंसने लग गए, शंकर जी जो हंस रहे थे रोने लग गए। मैया समझ गई बाबा कुछ जानता है, क्यों बेटा का रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया। अगर माताओं को पता चलना बाबा हाथ देखना जानते, ज्योति चार तरफ पे घिर जाते। बोले बाबा मेरे तो हाथ देख लो क्या होने वाले, ये सब माताएं घिर गई। बोले बाबा लगता है तू मुझे जादू टोना जानते हो। बोले हाँ। बोले मेरे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई जादू टोना है? बोले एक काम कराओगे तो कभी लगेगा नहीं। बोले बता दे। बोले जब तुम लाला को स्नान कराओगी उसका जो चरणामृत है मेरे सर पर डाल देना, बाबा सो कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो नजर लगेगा नहीं। बोले बोल दे। बोले जो तुम भोजन कराओगे, भोजन का जो अवशिष्ट रहेगा उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले बाबा कर लूंगा। अगर अभी भी नंदगांव जाओगे सबसे पहले ठाकुर जी को जो भोजन लगेगा वो प्रसाद डायरेक्ट शंकर जी को पास में आएगा,
क्योंकि जब कृष्ण राम को जब कोई चीज भोग लगता है वो होता है प्रसाद, लेकिन जब कोई भक्तों को भोग लगता है ना प्रसाद नहीं, वो महा महाप्रसाद हो जाता है। अब जगन्नाथपुरी में जाओ वहां पर प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद। बोले क्यों? बोले स्वयं माता जी कैलाश छोड़ करके भगवान की सेवा के लिए, प्रभु की प्रसाद के लिए कैलाश छोड़ करके आई हो। जब जगन्नाथ जी को वो भोग लगेगा वो सीधा प्लेट जाएगा विमला देवी के मंदिर में। विमला देवी पाने का बाद फिर ये प्रसाद दुनिया को मिलता है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं कोई भी चीज हो पहले शंकर जी को भोग नहीं लगानी चाहिए, माता देवी को नहीं, हनुमान जी को नहीं, किसी गणेश को भी नहीं, सबसे पहले श्री कृष्ण को हो राम को हो भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद किसी देवा देवी को जाओ। जगन्नाथपुरी अगर जाओगे कभी भाग्य में अगर होगा, और कोई गए हो? एक दो गए गए, वहां पर देख लेना जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है ना, एक व्यक्ति इतना बहुत बड़ा एक मजरा लेगा, इतना बड़ा पूरा चारी तरफ में मंदिर का चारी तरफ में घूमेगा। बोले क्यों? वहां पर कभी जाओगे 33 करोड़ देवता, वहां पर 33 करोड़ देवता बैठे हुए। बोले किस लिए बैठे हुए? बोले ठाकुर जी की प्रसाद के लिए। सबको निमंत्रण दे देते हैं, बोले अभी जगन्नाथ जी को भोग लग गया, देवताओं सबके सब आ जाओ। फिर आ करके सबके सब वहां जगन्नाथ जी की प्रसाद को सेवा करते हैं। अब रात में जाओगे आनंद बाजार जहाँ प्रसाद बिकता है, वहाँ चावल पड़ा हुआ होगा देखोगे, लेकिन सवेरे जा करके देखोगे एक भी किनका नहीं मिलेगा वहां पर। सारे देवता लोग आ करके उठा उठा करके देवता लोग वहां से सब के सब खा करके चले जाते हैं। बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की, जोर से बोलो। बोले श्री भोले बाबा की जय। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं जानते हो? लड्डू ले जाएंगे हनुमान के मुंह में ठोसेंगे, बोले हनुमान खाओ। क्या हनुमान जी भूखे पर लड्डू खाने के लिए बैठे हैं? जब राम दरबार लगता है अब बताओ हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? बोलो कहाँ पर बैठते हैं? चरण में बैठते हैं ना। मतलब क्या है? जब तक प्रभु राम को कोई चीज भोग नहीं आ गया, जब तक भगवान राम को कोई चीज भोग नहीं लगता है, मैया जानकी जब तक कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं तब तक कुछ भी हनुमान ग्रहण नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए पहले कृष्ण राम को लगा कर किसी देवा देवी को भोग लगाओ। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, बोले कितने दिन की हो गई? बोले कृष्ण हो गए 3 महीना की। जब बच्चा 3 महीना का होता है वो करवट लिया, मैया तो बड़ी खुश हो गई, लाला ने करवट लिया है, आज करवट लेने का उत्सव मनाएगी। सारे अड़ोसी पड़ोसी सब गोपियों को बुला ली, आज लाला करवट लिया है, सबके सब आओ हम भगवान की कीर्तन करेंगे। अपना आंगन को साफ सुथरा करके एक बैलगाड़ी को नीचे सारे सामान रख दी और कृष्ण को स्नान करा के वो बैलगाड़ी को नीचे रख दी। क्यों? अभी गोपियां आएगी गाएगी नाचेगी, फिर तो लाला की कच्चा नींद खराब नहीं हो जाए, फिर लाला को संभालूंगा नहीं लोगों को संभालूंगा। लेट आदि और सब गोपियां आकर के मजरा और ढोलकी लेकर के बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली पीली पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला Oh, God.
इतने में कृष्णा का नींद खुल गई। कृष्णा सोच रहे हैं मैं बैकुंठ छोड़ करके यही आनंद लेने के लिए आया हूँ। अरे मेरे मेरे कीर्तन, अरे मेरे लिए कीर्तन, और देखो मेरे को कहा बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। अभी कृष्णा अपना कीर्तन में आना चाहते, कहते मैं भी तो थोड़ा कीर्तन का आनंद लू। लेकिन कृष्णा का उम्र कितना हो गया, कौन बोलेगा? कृष्णा कितना दिन हो गई? 3 महीना के। आज ही कृष्ण करवट लिए हैं। अभी ठाकुर जी को घुटन पर भी चलना नहीं आता है। कहते बच्चों का बल क्या है? बोले रोना बच्चों का बल है। बच्चे अगर रोए ना, मैया क्या करती है? बच्चे को ला कर गोद में फिर दूध पिलाती है। कृष्ण बड़े जोर जोर से रोए, हो सकता है मैया मेरे को ले जाएगी। लेकिन मैया इतने काम में बिजी थी और कीर्तन की आवाज इतने जोर से हो रही थी, मैया का कान में तो पड़ी नहीं। कृष्ण सोचा इतना तो रो लिया, कब तक और रोऊं? इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा की। कंस ने भेज दिया शकटासुर को। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके सारे बाग बगीचा को तोड़ दिया। ऋषि क्रोधित तो होकर के अभिशाप दिए, बोले जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान है, मैं अभिशाप देता हूँ तेरा शरीर ही नहीं रहेगा। इतने में शरीर गायब होने लग गया, सारे नशा उसकी उतर गई तो माफी मांगे। बोले कृष्ण जब द्वापर युग में अवतीर्ण होंगे, प्रभु का चरण स्पर्श से तेरे को मुक्ति मिलेगी। इतने में उसने आए, बोले कृष्ण कहाँ पर? बोले बैलगाड़ी को नीचे। बोले उसको तो शरीर था नहीं, बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो गया। सोचा धीरे 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 दबा दूंगा, कृष्ण तो नीचे पीस जाएंगे। इतने में कृष्ण अपना चरण को धीरे धीरे चलाए, चलाते चलाते ऐसे ठोकर लगी गाड़ी में, एक गाड़ी एकदम पलट गई। जितने दूध दही शब्द सब बिखर गया, सबके सब। गोपियां बैठ कर कीर्तन कर रही थी,
बोले आंधी तूफान है नहीं पलटी तो पलटी कैसे, और आ करके देखो बड़ा राक्षस मरा पड़ा हुआ और सारे दूध दही बिखर गए सबके सब। लेकिन ये सखाओं ने देखा था वो कृष्ण का चरण की स्पर्श से ये पलट गया है। सखाओं ने तोतली तोतली बोली से बोले बोले मैया 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 हम बोलेंगे। बोले क्या बोलोगे? बोले लाला की चरण चरण की ठोकर से किए गया। मैया बोले लगता है भांग की गोला खा लिया जाता, आज मेरे लाला करवट लिया और इतना छोटा 3 महीना का और उसकी चरने की ठोकर से गाड़ी पलट जाएगी। मैया को विश्वास नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, कृष्ण की चरण की ठोकर में कितने शक्ति है, 3 महीना के और चरण की ठोकर लगी तो क्या पलटी गई, बैल गाड़ी पलटी गई, सारे दूध दही बिखर गए। कृष्ण जब 6 दिन का थे उन्होंने सिखा दिया उनको होठ में कितने शक्ति है, उतना जैसे राक्षस को उन्होंने दूध पीते पीते मार डाली। कृष्ण को जब फिर 1 साल हो जाते हैं फिर उन्हें त्रिणा व्रतों को मारते हैं, सिखा देते हैं उनकी हाथ में कितने शक्ति है, हैं? इसलिए अभी मैया ने लेकर के लाला को कीर्तन को बीच में रख दिए, बीच में रख करके फिर हरे कृष्ण हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। फिर कीर्तन किया तो कृष्ण खुश हो गए। देखो यहाँ से उन्होंने शिक्षा किया दिया, सब ध्यान देकर सुनो इधर, यहाँ शिक्षा देते हैं उत्सव हो रही थी लेकिन भगवान के लिए उत्सव हो रही थी जन्म, लेकिन कृष्ण को उत्सव से अलग करके बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और गाड़ी के ऊपर सारे सामान रख दिए। इसका मतलब है अगर घर में कोई उत्सव हो, अगर भगवान की छोटे कर दो और ये सांसारिक की वस्तु का हम बड़ा बना देते हैं, जैसे बच्चे का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, देखना सारे यार दोस्तों को बुलाएंगे, पता नहीं कितना बोतलों तोड़वाएंगे, बोतलों तोड़ना जान तो पीना पिलाना और कितना मुर्गा को खत्म कर डालेंगे। लेकिन जिसने सब कुछ दिया ना भगवान ने, भगवान के लिए कुछ नहीं, सारे भूतों को बुला करके भूतों की आटा खाना लगाएगी, डिस्को डांस के ऊपर नाचेंगे, लेकिन भगवान के लिए कोई ठाकुर जिसने दिया उसके लिए कोई भोग नहीं, उसके लिए कोई कपड़ा नहीं, ठाकुर के लिए कुछ नहीं, सारा दुनिया के लिए करते हैं। ठाकुर जी कहते देखो अगर मेरे को पूछोगे नहीं ना फिर वहां पर तीना बर्त आ जाएगा, फिर वहां पर सगड़ा सगड़ा आ जाएगा वहां पर, हैं? इसलिए क्या करो घर में जो कुछ करो सबसे पहले देखो जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसका सब कुछ है उसके लिए कुछ है कि नहीं, ठाकुर जी के भोग के लिए कुछ है कि नहीं, ना दुनिया को खिलाने के लिए बना रहे भगवान के लिए कुछ नहीं, खुद दिन में 2 बार ड्रेस बदला रहे हो, ठाकुर जी 15 दिन से 1 कपड़ा पहन कर बैठे हो, ठाकुर के लिए कुछ नहीं। भैया एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, सजा करके शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे सजाओगे ना वो परछाई भी अपने आप सज जाएगी नहीं, परछाई को सजाना पड़ता है नहीं, कहते तो उसी तरह यहाँ शिक्षा देते हैं घर में अगर तुम्हारे ठाकुर हो, जो जितने ठाकुर को श्रृंगार करता है, जो जितने अच्छे थरत के ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं ना, देखना सब संसार में तुम भी अपने आप सज जाओगे, घर अपने आप सज जाएगा, अपने आप आनंद में रहोगे, नहीं तो वहां पर सगड़ा सुरनिता आ जाएगी, हैं? और भगवान शिक्षा देते हैं बोले माँ जगत में सबसे बड़े संपत्ति किया है, बोले मैं ही जगत में सबसे बड़ा संपत्ति हो, अरे मेरे को तो कर दिया कीर्तन से अलग, हैं? कीर्तन से तुम अलग कर दिया, इसलिए घर में कुछ भी हो कभी ठाकुर जी को अलग नहीं करनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कृष्ण हो गए 1 साल की, 1 साल की हो गए तो जैसे माताएं बच्चों की क्या करती है ऐसे उछालती ना ऊपर में, उछाल करके पकड़ती हो, हैं? एक दिन कृष्ण को उछाल रही थी, कृष्ण सोच रहे क्या मैया थोड़ी दूर उछाल रही है, मैं तो चाहता हूँ कोई एरोप्लेन आ जाए थोड़ा बैठ करके थोड़ा ब्रज को देख ले, क्योंकि कुछ दिन बाद में घर घर में मक्खन चोरी करूंगा, अभी किधर गली से दाना नहाने पत्थर से पता तो चल जाए। अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति ने
एक त्रिनावर्त दैत्य को भेज दिया। वो आंधी तूफान रूप में आ गया। कृष्ण देखा भैया मामा जी आ गए, अभी तो मेरे को पकड़ करके उड़ा कर ले जाएंगे, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मैया को अगर उड़ा कर ले जाए तो मैया की स्थिति की होगी। इतने में कृष्ण अपना शरीर को इतने भोजन बना दिए जैसे पत्थर की कोई चट्टान हो। मैया गोद में धारण नहीं कर सकी, नीचे उतार कर रख दी। इतने में आंधी तूफान रूप में आया त्रिनावर्त और कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चला। जब उड़ चला थोड़ी देर बाद में देखा मैया लाला को तो मैं नहीं यही लेटा था, लाला कहाँ गया। मैया तो रोने लग गए, मेरे लाला कहाँ चला गया, सब गोपी इकट्ठा हो गए। जब कृष्ण को ऊपर में ले गए, इतने में कृष्ण उसको गला पकड़ करके पूरा ऊपर में एरोप्लेन में घूम गए, पूरा आकाश में घूम गए। अभी एरोप्लेन में तो उड़ गए, अभी लैंडिंग करना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा। बोले नीचे कैसे उतरो। इतने में कृष्ण ने उसको गला को ऐसे दबाया, ऐसे दबाया उसको गला को, उसने एक पत्थर को ऊपर मार करके धड़ाम करके गिरे। इतने जोर से गिरे उसका शरीर एकदम छत्तु हो गया। थोड़ी देर माँ बाद में माँ देखती हैं वहां पर मेरे लाला पड़ा हुआ है। फिर कृष्ण लाला को वहां से उठा करके ले आती हैं, ला करके गैया से पूछ से झड़वाया करती है और राई नून की मंत्र करके छिड़काव करते हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ध्यान देकर सुनो, सुखदेव गोस्वामी एक अच्छे शिक्षा देते हैं। जैसे मुहूर्त है कहते वहां पर तमसा छरना, जैसे थोड़ी समय के लिए पूरा आंधी तूफान कौन कहां पर दिखाई नहीं पड़े। जो भजन करते हैं ना उनको जीवन में भी कभी कभी आंधी तूफान आ जाती कि नहीं, कभी आंधी तूफान। लेकिन कभी ऐसे आंधी तूफान आ जाए ना, शिक्षा देते हैं भैया उसी समय अपना मन को धीरज धारण करो, मन को धीरज धारण करो, मन को चंचलता मत करो। हाँ देखो, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, इनकी एक कथा सुन लो, इनकी एक भक्त की कथा सुन लो। हम लोग बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद, उसमें जो श्रीवास है वो नारद जी का अवतार है। वो चार भाई थे, रोज घर में इनका कीर्तन होता था, भगवान स्वयं वहां पर आते थे, ठाकुर जी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु सदासी गदाधर राधा रानी ये सबके सब आते थे रात भर। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण और एक बार बोलो जोर कर। श्री चैतन्य महाप्रभु रात भर इनके घर में कीर्तन करते थे। इनकी एक लौता संतान था, एक ही बेटा। कीर्तन करते करते हठात किया हुआ उनको एक बेटा, उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने पर जितने माताएं थी ना रोने लग गई, क्योंकि उनका एक ही बेटा था। अब ये श्रीवास पंडित कीर्तन कर रहे थे, इतने में उनको कान में रोने की आवाज आई। बोले घर में लगता है कुछ अनहोनी हो गई है। तो उन्होंने प्रणाम करके आ करके देखा, उनका जो एक लौता संतान ना वो शरीर ही छोड़ दिया, ऊपर से सफेद कपड़ा ओफन ढका हुआ है और सबसे स्त्रियां सब रो रही थी। इतने में श्रीवास पंडित ने बोले भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है। बोले तेरा एक ही बेटा था, वो भी एक बेटा ने शरीर छोड़ दिया। देखो उनकी विचार कैसे, आप भी ध्यान देकर सुनो, बड़ी शिक्षापूर्ण शिक्षा दी है। हरि बोल। बोले एक बेटा था शरीर छोड़ दिया, देखो क्या कहते हैं। बोले ये बताओ बेटा को दिया तो दिया किसने, आप लोग बोलो बेटा को किसने दिया था, ठाकुर जी ने दिया। लिया तो किसने, अरे जोर से बोलो, आप बोलोगे नहीं बेटा को हम ही जन्म देते हैं। देखना कुछ कुछ माताएं बांझ होती हैं, चाहने पर भी बच्चा नहीं होता है, ठीक नहीं। अगर अपना बेटे इच्छा से अगर बच्चा होता तो जो बांझ है उनको तो बच्चा हो जाता है ना।
कोई चाहते घर में बेटा हो, बेटा नहीं हो तो बेटी हो जाती है, कोई कहते बेटी हो जाता है बेटा। हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं होता है, सब उसकी इच्छा से होता है। देखो ये क्या कहते हैं, बोले दिया तो किसने दिया, बोले ठाकुर ने, बोले लिया तो किसने लिया, बोले ठाकुर ने। भैया जब ठाकुर ने दिया और ठाकुर ने लिया है फिर तो बीच में क्यों रो रहे हो। वो संत श्रीवास पंडित कह रहे हैं, बोले एक दिन मरना है कि नहीं, बोले है। जब एक दिन मरना है, यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी कीर्तन कर रहे हैं, वो अकेले नहीं, स्वयं कृष्ण जहाँ पर, बलदेव प्रभु जहाँ पर, राधा रानी जहाँ पर, सदाशिवी जहाँ पर स्वयं कीर्तन कर रहे हैं, और इनकी कीर्तन सुनते सुनते कोई शरीर छोड़ा, कितने भाग्य की बात है। वो कहते हैं भैया मैं भी चाहता हूँ ऐसे ही मेरा भी ऐसे मृत्यु हो, मैं अपने आप को सौभाग्य में समझूंगा, इसलिए खबरदार रोना नहीं। साक्षात ठाकुर जी यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, अगर इनकी कीर्तन का रस भंग होगा ना, बेटा तो गया ही गया, मैं भी गले में कलसी बांध करके ये गंगा में डूब करूंगा। बोले भगवान स्वयं यहाँ पर है, उनका कीर्तन में रसभंग हो गया, एकदम चुप रहो। स्त्रियां हैं, चुप तो हो गई लेकिन मन मन में रो रही थी। पहले श्रीवास पंडित जितने खुश थे ना, जब फिर आए उससे और ज्यादा आनंद करके नाच रहे हैं। लेकिन महाप्रभु तो सब जानते हैं, कटकटवास। महाप्रभु बोले लगता है इनके घर में कुछ अनहोनी हो गई। इतने में श्रीवास पंडित छलांग लगा करके बोले प्रभु जहाँ साक्षात गोलोकपति जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण हैं, राधा रानी हैं, बलदेव प्रभु, वहां पर कभी अनहोनी हो सकता है। इतने में जो औरिया के भक्त थे जो अद्वैत आचार्य, बोले प्रभु इनका जो एक लौता संतान था उसने शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु तो रोने लग गए, बोले जिसने मेरे प्रेम के लिए अपना पुत्र शोक को भी उसने शोक नहीं माना, ऐसे संग को छोड़ करके मैं सन्यास कैसे लूंगा। बोले चलो देखते हैं। महाप्रभु आए, ओपन ढका हुआ बच्चे के ऊपर, तो भगवान है ना, जब उसको छाती पर हाथ रखा ना, बेटा दो बार जिंदा हो गया, दो बार जिंदा हो गया उसने। भगवान बात कर रहे हैं, बोले बेटा तू कहाँ चला गया। बोले ठाकुर जी आपकी बड़ी कृपा थी जो कि मैं एक संत के घर में जन्म हुआ है, बचपन से तुम्हारी कीर्तन कथा हमने सुना, तुम्हें दर्शन किया है, मेरा तो अहोभाग्य था है, इसलिए बोले तुम चला गया कहाँ। बोले प्रभु जब तक आपने यहाँ पर रखे तब तक मैंने रहा, आपने जहाँ भेज दिया मैं वहीं पर चला गया, लेकिन मैं जहाँ गया हूँ आपका आशीर्वाद से बड़े आनंद पूर्वक हूँ, क्योंकि आपकी कथा कीर्तन सुनते सुनते दर्शन करते करते सर छोड़ा। प्रभु ही जगत में कोई किसी का नहीं, ये तो एक धर्मशाला है। वो बच्चा कह रहा है जैसे आप लोग देखना होटल में कहीं धर्मशाला में रुको, रात में बैठ कर खूब आपस अपने गप्पे करते हैं, लेकिन सवेरे होते अपना अपना घर में चले जाते हैं। कभी ये देखे धर्मशाला हमें रुके हैं और यहाँ पर अपना संबंध बना देते हैं, तू मेरे पति, मैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तेरे मित्र, माँ, तेरे बाप, ये केवल दो दिन का ये गप्पे मार रहे हैं और कुछ नहीं। जिसका समय आएगा फिर यहाँ से उसको जाना पड़ेगा यहाँ से, इसलिए प्रभु आपने जहाँ पर भेजा है मैं वहाँ पर बड़े आनंद पूर्वक हूँ। उन्होंने बड़ी आत्मज्ञान की बात बताई, बोले प्रभु ये तो शरीर एक कपड़ा है, जैसे किसी कपड़े को पहनो जो पुरानी हो जाए फिर क्या करता है, वो कपड़े को छोड़ करके फिर एक नए कपड़े धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा है ये मरने वाले नहीं, जलने वाले नहीं, काटने वाले नहीं, ये नित्य शाश्वत ये आत्मा है। ठाकुर जी आपने जहाँ भेजा मैं बड़े खुश हूँ। महाप्रभु बोले परिवार को, बोले बेटा को जिंदा कराते, ऑलरेडी तो जिंदा हो गया, महाप्रभु जिंदा कर दिए, बोले इसको रख ले। बोले नहीं प्रभु, ये जब स्वयं कहता है मैं जहाँ पर हूँ पर आनंद पूर्वक हूँ हैं, और आपका कीर्तन सुनते सुनते गया, ये सौभाग्य क्या कभी होगा। जब वो खुद कहता है उसको आने मत दिया कर। देखो अगर साधारण लोग होता है ना, अगर घर में कोई अनहोनी हो जाए, देखना खाना नहीं छोड़ेगा, घूमना नहीं छोड़ेगा, सोना नहीं छोड़ेगा, पर सबसे पहले मालाएं छोड़ देगा, सबसे पहले भगवान की भक्ति छोड़ने के लिए तैयारी हो जाएगा। पहले हम भगवान की इतना भजन किए और ठाकुर जी हमारे साथ यही किए हैं,
इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते, देखो जब भक्ति करते हैं ना, कभी कभी जीवन में आंधी तूफान भी आती है, लेकिन ये आंधी तूफान को सहना करना पड़ेगा। इसलिए कोई एक भक्त था हमारे गुरुजी को पास में आए, बोले गुरुजी संसार में बड़ा कष्ट है। देखो गुरुजी ने क्या बोला, बोले बेटा पांडवों के ऊपर जितने कष्ट आया तेरे ऊपर इतना कष्ट आई है। भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण हुई और धर्मराज युधिष्ठिर गांडीवधारी अर्जुन गदाधारी भीम क्या नहीं कर सकते थे, इनको 12 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। इतना कष्ट अभी तक तुम्हारे ऊपर आई है क्या? प्रहलाद ने जब भजन की उसको पिताजी स्वयं उसको आग को बीच में अग्नि कुंड में बैठा दिया और पहाड़ को ऊपर से लेकर उसको फेंक दिया। मीरा ने जब भजन की उसका पति ने मीरा राणा ने भेजा 20 का प्याला अमृत करके पी गई। इतना कष्ट आई, बोले इतना तो कष्ट आई नहीं, बोले फिर चिंता क्यों करते है? इसलिए बेटा भगवान परीक्षा करते हैं सब चीज को। अगर पास हो जाओगे ना बस ठाकुर जी तेरे को अपना धाम ले जाएंगे, पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट चिरकाल के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भैया कभी कभी अपना जीवन में आंधी तूफान भी भक्ति जीवन में आती हैं, लेकिन कहीं आंधी तूफान आए तो भक्त लोगों को किस रूप में स्वीकार करनी चाहिए? कहते भक्तों को किस रूप में स्वीकार करनी चाहिए, उसको नेगेटिव रूप में मत लो, पॉजिटिव रूप में लो। जैसे गुरु जी कथा सुनाते थे, ये कथा को याद कर लो। एक समय दो भाई थे, एक भाई तो पूरा नास्तिक और एक भाई ठाकुर को सेवा पूजा करता है। अभी जो नास्तिक था मानता नहीं, जो सेवा पूजा करता था उसको बीच बीच में बोलता था, क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हो, जब देखो ठाकुर को सामने बैठ करके पूजा करते हो, ऐसे बेकार चीज छोड़ सब चीज। उसको हर समय हंसी दिलाई करता था, लेकिन वो भजन करता था। एक दिन दोनों भाई निमंत्रण में गए, जब निमंत्रण में गए जो भाई भजन नहीं करता था उसको एक सोने की एक मोहर मिल गया। बोले देखा मेरे को एक सोने की मोहर मिल गया, सुनते का बात सही है, लेकिन जो भजन करता था थोड़ी दूर गया ना, एक लोहे का सीख प्यार में गिर गया तो खून बहने लग गया, उसका तो मौका मिल गया। बोले देख लिया तू इतना कृष्ण कृष्ण राम राम करते हो, तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, देख लिया कि नहीं? इतने में वो तो दुखी हो गया। बोले बात सही है, बोले ठाकुर जी मैं तेरा इतना नाम कीर्तन भजन करता हूँ, तू मेरे को सभी को सामने ऐसे बेइज्जत करते हो, ऐसे बेइज्जत करते हो। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा ये मत समझो जो भजन करते हैं उनका कष्ट होता है, जो भजन नहीं करते कष्ट नहीं होता। नहीं बेटा हमको पता नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या क्या कर्म करके आए। बोले सुन ले, आप लोग भी सुन लो, कहते इसको जो सोने की मोहर मिला है ना, ये पूर्व जन्म में इतने दान इतने पुण्य किया था, आज का दिन उसको राज सिंहासन मिलने वाला था, राजा बनने था, लेकिन मुझे मेरे भक्तों को चुगली करता है निंदा करता है, उसको सारे पुण्य खत्म हो गए। थोड़ी सी जो पुण्य बच गई थी उसको एक सोने की मोहर दे करके मैं छोड़ दिया। तू सुन, पहले जन्म में तुमने मरण किया था, आज का दिन राज दरबार में फांसी झूलने का था, लेकिन चूंकि तू मेरे भजन करते हो भक्ति करते हो, मैं तेरे सारे पाप को खत्म करते 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 थोड़ी सी बच गई थी, इसलिए प्यार में एक कांटा चुभा करके तेरे को मैंने छोड़ दिया। ये मत समझो भजन करने वालों को कष्ट मिलता, बेटा ऐसे नहीं माननी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन सल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महात भया। अगर मेरे लिए अगर कोई थोड़ी सी करता है, कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर मेरे लिए मेरे तरफ में कोई एक कदम बढ़े तो मैं उसके तरफ में 10 कदम बढ़ता हूँ, मेरे लिए कोई थोड़ी सी करे ना उसके लिए मैं इतना करता हूँ। देखो ये पद्म पुराण की कथा है। एक समय कार्तिक का महीना थी, किसी भक्त ने भगवान की राधा कृष्ण के मंदिर में दिया जलाने के लिए दिया, वो दिया बुझने जा रही थी, इतने में एक चूहा तेल खाने का लोभ से आ गया। जब वो तेल पी रहा था, वो दिया बुझने जा रही थी, इतने में उसका बत्ती उसकी दांत में लग गई। लगते ही चूहा पीछे भागा, पीछे भागते ही उसके मुंह में लग गई थोड़ा आग,
और ये दिया जो बुझने जा रही थी हो गई तेज। देखो बाकी बिहारी कितने दयाल, ये चीज को देखो, भगवान ने देखा कार्तिक की महीना ये दिया बुझने जा रहा था, चूहा ने क्या किया वो दिया को तेज कर दिया और उसको मुंह में थोड़ा आग लग गई, दो चार बार उसने छलांग लगा दी। ठाकुर ने सोचा मानो मेरे को उसने दिया जला करके मेरे सामने नृत्य किया है, ये पुराण में कथा थी। अगली जीवन में इतनी सी पुण्य से क्या मिला जानते हो, अगली जीवन में उसको राजकुमारी बनकर के जन्म लेना पड़ा, राजकुमारी राजा की बेटी बनकर जन्म लेना। और पहले जो उसने थोड़ी भक्ति की थी उसका पुण्य रहा, इसलिए भगवान की भजन की। फिर ठाकुर जी उसको बाद में गोलोक वृंदावन में अपना सखी पद दिया है। अगर थोड़ी सी ठाकुर जी के जो करो, जैसे तुलसी में कोई दिया जलाते हो, तुलसी परिक्रमा करते हो, तुलसी में पानी देते हो, जैसे भागवत कथा सुन रहे हो, देखो ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कृष्ण गीता में खुद कहते हैं मेरे लिए थोड़ी सी करो मैं उसके लिए इतना करता हूँ। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री बांके बिहारी की, जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण एक दिन मैया कन्या को दूध पिला रही थी, कृष्ण दूध पीते पीते देखना बच्चे कभी कभी जंभाई लेते हैं, इतने में कृष्ण ने थोड़ी सी जंभाई ली। जब जंभाई ली छोटी सी मुंह से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैया यशोदा ने दर्शन की, देख करके डर गई, हे भगवान मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूँ लाला के मुंह में, मेरे लाला को फिर कोई भूत भूत तो नहीं लग गया। इतने में मैया ने आंख बंद कर दी, जब आंख बंद कर खोली कुछ भी नहीं। पहले यहाँ पर जिस समय में कृष्ण दूध पीते पीते जंभाई की उनके कारण किया है, अब देखना माताओं को पता रहता है मेरे बच्चा कितने दूध पीने से बच्चा का पेट भर जाता है, माताओं को पता रहता है। आज कृष्ण इतने कृष्ण दूध पी रहे थे, मैया यशोदा डर रही थी हो ना हो मेरे लाला के पेट में अपच नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चा अगर ज्यादा दूध पी लेता है ना फिर तो पेट पतला हो जाता है, इसलिए डर रही थी मैया यशोदा। इतने में कृष्ण विश्व ब्रह्मांड दिखाए, बोले माँ बहुत डरी हुई थी। बोले क्यों डरी हुई थी, पहले पुतना आ गई, फिर आ गई सगटा सुर आ गया, तृणा बरता आ गई, मैया सोच रही थी बिना कारने के कारण पता नहीं ये मेरे लाला को पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए। इसलिए कृष्ण मुंह खोल कर बोले मैया तू सोच रही हो तेरे दूध को मैं अकेला पी रहा हूँ, नहीं मैया देख ये विश्व ब्रह्मांड तेरे दूध से पल रहे। और दूसरा चीज सिखा दिए, बोले माँ तू डर रही ना, डरना नहीं, मैं तेरे साधारण लाला नहीं हूँ, देख विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, इसलिए मैया तेरे को डरने का कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही कृष्ण बचपन में बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे। एक दिन मैया यशोदा कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को बड़े सुंदर उन्होंने स्नान कराया और तेल लगा करके मणि हीरे जवाहरात से कृष्ण का जो चोटी थी चोटी को बड़े सुंदर श्रृंगार कर दी, एक मयूर पंख लगा दी, बड़े सुंदर कन्या को पीले रंग के वस्त्र पहना दी, कर में करधनी कल में हार पहना दी। कृष्ण बलराम को बोले जाओ खेलो तुम लोग। लेकिन जब कृष्ण खेल रहे थे एक दिन कृष्ण ने सोचा जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आए ना, ये मैया गोबर से और ये गोमूत्र से हमें स्नान कराती हैं, ये क्या है? ये गोमूत्र गोबर में है क्या चीज, हमें क्यों स्नान कराती हैं? कृष्ण बलराम देखा वहीं पर गैया बंधे हुए थे, बोले चलो आज हम जा करके गोबर और गोमूत्र से हम स्नान करेंगे। और वहां पर गए, जितने कीचड़ गोमूत्र था ना कृष्ण बलराम पूरा शरीर में पोत दिया और दोनों भैया वहीं पर बैठे हुए। मैया ने देखा ये दोनों दुष्ट गए कहाँ। इतने में मैया बोला बोले कन्हुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो। इतने में आवाज ही गैया को बीच में, बोले मैया हम यहाँ पर है। बोले वहां क्या कर रहे हो। जा करके देखा जितने गोमूत्र गोबर से सने हुए। मैया को इतना क्रोध आया, बोले अभी अभी तुम दोनों को स्नान कराया, अभी अभी श्रृंगार करवाया, वो एक मिनट ही सब गड़बड़ी कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इतने में मैया तो दोनों को कान पकड़ लिए,
कान पकड़ के कहती, क्यों रे, क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में तुम सुकर असी गत पुतना रे, हे पुतना के अरि शत्रु, क्या तुम सुकर असी, क्या तुम पूर्व जन्म में सुअर थे? ये सुअर ही तो मिट्टी में लौट पटू खाते हैं ना, यही तो लौट पटू खाते हैं। क्या पूर्व जन्म में तुम सुअर थे? कृष्ण इतने में अपना सर हिला रहे थे, बोले मैया मैं तो पहले सुअर ही था, लेकिन तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि भगवान ने सत्य युग में बराह अवतार लिया था। भगवान के 10 अवतार है ना, मत्स्य, कुर्मा, बराह, नृसिंह, बामन, परशुराम, ये जो बराह अवतार ये सुअर का अवतार है। बोले मैया मैं तो था, तेरे को कैसे पता चला सुअर है? इतने में फिर मैया ला करके दोनों को स्नान करके श्रृंगार करती है। देखो यहाँ पर भगवान शिक्षा दिया है आप लोगों को, पता पहले पहले पुराना पुराना समय में गोबर और मिट्टी से घर को पोता लगाया करते थे। किसने लगाया जिंदगी में, कौन कौन लगाया? हाँ, ये जो गोबर जो गोमूत्र है ना, अभी साइंटिस्ट लोग अभी रिसर्च करके जो गोमूत्र से, अभी जो कोरोना आया था ना, जो व्यक्ति ये गोमूत्र सेवन कर रहे थे उनको कभी कोरोना नहीं है, वो आएगा नहीं। कहते ऐसे कोई बीमारी नहीं जो कि गोमूत्र से सही नहीं होता, सही नहीं होता, इतने शक्ति गोमूत्र में। अभी गोबर को रिसर्च करके हमारे के बड़े महाराज है बेंगलोर में, बहुत बड़े साइंटिस्ट ही है ये, अभी गोबर से ना साबुन, उसमें साबुन बनाते हैं और गोबर से उसको धूप धूप बनाते हैं और क्या क्या मेडिसिन निकालते हैं, हैं ये गोबर से, ये सब चीज को गोबर से करते हैं, बहुत कुछ। अभी कहते अमेरिका में जो कंडा है ना, गोबर की कंडा, पता नहीं इतना बड़ा कंडा कितने हजार रुपया में अमेरिका में बिकता है। पहले जो हवन करते थे गोबर से हैं, उसमें घी डाल करके, बोले क्यों, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके देखा, गोबर के ऊपर में जो हवन करते घी डालते ना, उससे ऑक्सीजन बनती है, ये वातावरण को ये शुद्ध बना देती है। इसलिए ठाकुर जी स्वयं ये गोमूत्र गोबर से, अभी हम कहीं गए हुए थे, एक व्यक्ति था वहां पर, जैसे हम स्नान कर रहे थे ना, उसने जानते हो हम साबुन से स्नान कर रहे थे, उसने गया गोबर था, पूरा गोबर उठा करके लाया, पूरा सारा शरीर में गोबर से साबुन लगाते हैं, गोबर से पूरा पूरा उसने स्नान किया, गोबर से स्नान किया है। इसलिए शरीर में बहुत सारी जो खराब बैक्टीरिया ये खराब नष्ट कर देती है, गोबर में गोमूत्र में बहुत। ठाकुर जी स्वयं गैया चराया करते थे ना, इसलिए पहले हर घर घर में क्या होता था, घर में गैया को पालते थे ना, लेकिन अभी कोई गैया को नहीं सेवा करते हैं, अभी कुत्ते को सेवा करते हैं, हैं? अभी घर घर में, पहले तो लोग गैया सेवा करते थे, अभी गैया सेवा नहीं। कहते जो गैया की सेवा करते हैं घर में, माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है जो गैया सेवा करते हैं, बहुत सारी बीमारी। अभी अमेरिका में कहीं वहां पर दिखाया है, अमेरिका में हैं, वहां पर है गैया को जा करके इसे आलिंगन करते हैं, गैया को जा करके, बस वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे ठाकुर जी सब शिक्षा देते हैं। ये भजन गा ले बढ़िया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सबरिया तेरे आगे,
I'm not going to be able to do it.
ऐसे ही बुला रहे थे। अभी श्री नंदा बाबा सोच रहे थे लाला का कोई एक निर्दिष्ट नाम हो जाए और उसी नाम से ही हम बच्चों को पुकारे। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, नियम है जो बच्चों का नामकरण होनी चाहिए, ये एक संस्कार है। ये जो नामकरण संस्कार का बड़ा महत्व है। अब देखना,
हमारी भारत में जब शादी होती है उसको पूछते हैं ना उसका नाम क्या है और उसको कौन सा तिथि में उसकी जन्म हुई, जन्म पत्र मिला के आप लोगों को पता होगा, मिला थे कि नहीं। कारण है वो जन्म पत्र से कभी कहते हैं ये मांगली है, ये लड़का मांगली है, कभी बोलते हैं ना। इसलिए हमारे भारत में क्या नियम है उसको जन्म पत्र मिला करके ही शादी करवाते हैं। इसलिए पहले क्या होता था वो शादी टिक जाती थी, टिकती थी नहीं, लेकिन अभी कोई जन्म पत्र मिला दे हैं फिर कितना लव मैरिज कर देते हैं, प्यार करके शादी कर लेते हैं। इसलिए कहते भाई आई लव यू, फिर आई लीव यू, फिर आई कील यू, जाकर कोर्ट में फिर जाकर के लाइन लगाते हैं। इसलिए हमारे भारत में जो जो संस्कृति हमारे पुराने लोगों ने लग कर गए ना, ये सबके सब साइंस ही है। ये मत समझो अरे नाम करने से क्या होता है, जो इच्छा टुल्लू बुल्लू कुल्लू रख दो ना, नहीं ये नियम नहीं, ये नियम नहीं, नियम है नामकरण होनी चाहिए। कौन सा जन्म कौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ वो पहला अक्षर निकालते हैं, वो अक्षर को रख करके उसको एक नाम रखनी चाहिए, वो नाम ऐसे नहीं मनमानी, नाम रखनी चाहिए भगवान के नाम पर। नहीं तो कोई भगवान की भक्त के नाम पर नाम बुलाओ, क्योंकि इसी नाम से बुलाने पर क्या होता है वो नाम से बच्चे को पर प्रभाव पड़ता है, वो बच्चे को पर असर पड़ता है, इसलिए वो बच्चे फिर संस्कार बनते हैं, अच्छे बनते हैं। इसलिए नियम है नाम संस्कार जरूर होनी चाहिए। इसलिए नंद ये बच्चों को पीछे मत घुसाए दो, इसलिए पहले नंद बाबा सोच रहे थे बच्चों का कुछ नाम करना संस्कार होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने श्री गर्गाचार्य भी, गर्गाचार्य को श्री वसुदेव महाराज भी सोच रहे थे मेरे बेटे का कोई नामकरण हो जाए, इसलिए गर्गाचार्य को वसुदेव महाराज में बुला करके उनको गोकुल में भेजते हैं, जाओ हमारी लाला का नामकरण संस्कार कराओ। और बच्चे का जो नाम है कैसे होनी चाहिए देखो ध्यान दे करके, नियम है नाम पहले ऐसे नाम रखते थे, बच्चा कौन होता है जो हमारी परंपरा को रक्षा करती, कहते ना हमारे बाद में जो पिंड हमें प्रदान करेगा हमारी खानदान को रक्षा करेगा। पहले जब नामकरण होता था देखो कैसे नाम करने है, यदि ये नाम में उसको पिता और उसको पिता दोनों का नाम होनी चाहिए, जैसे राम, बताओ तो राम जी के पिताजी का नाम क्या था, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, दशरथ, दशरथ। ये जो र करे राम का पहला अक्षर में र को लिया गया, आप बताओ तो दशरथ महाराज के पिताजी का क्या नाम था, बोलो जो पीछे बैठे बोलो, उनको पिताजी का नाम था आज, वो आज से लिया गया अ, इसलिए रा और मा। कृष्णा, कृष्ण का पिताजी का नाम क्या था, नंद बाबा, इसलिए सिन्हा में जो ना है नंद बाबा का पहला अक्षर ना ली गई है, हैं? और उनको पिताजी का नाम परजन्ना, इसलिए वहां से र लेकर के क में जो री मात्रा है और जो री शब्द उनको पिताजी से लिए है, उनको पिताजी से, पिताजी से, इसलिए नाम रखा कृष्णा। इसलिए पहले जब नाम कर्म करते थे ऐसे सोच करके, क्योंकि जो बच्चा है वो हमारी खानदान को, हमारी संस्कार को, हमारी परंपरा को ये बच्चा रक्षा करता है, इसलिए पहले ऐसे विचार करके बच्चों का नाम ठाकुर जी का नाम भराया करते थे। नहीं तो कोई भक्त का नाम जरूर, बच्चों का नाम भक्त नहीं तो भगवान, इनके नाम से बच्चों का नाम करना करनी चाहिए। अभी कैसे श्री कृष्ण का नाम करना किस रूप में हुआ है, हमारे बीच में ये प्रभु जी श्यामानंद प्रभु जी इस कथा सुनाएंगे भागवते, उनके नाम करने कैसे हुआ करो। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोले बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद स्तोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिलाशीधर गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग सोपाल से सफल कर गौर नित्यानंद प्रभु उपस्थित वैष्णव वृंद पूज्यपाद जीत कृष्ण प्रभु समय समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी माताएं सबके चरणों में अधम का जथाजो के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव के मुखारविंद से हम श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण धीरे धीरे अभी बड़े हो रहे हैं। अब कृष्ण जैसे ही करवट लेते हैं उस सब मनाए जाते हैं चक्रासुर आ जाता है। थोड़े बड़े हो गए और कृष्ण सोचने लगे कि मैं थोड़ा ब्रज को घूम के आऊं और देखने लगते हैं कि भाई ब्रज को घूमना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। योग माया देवी ने उड़न खटोला भेज दिया तृणावृत आगे। अब कृष्ण थोड़े बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो जो नामकरण संस्कार है ये गर्ग संहिता में वर्णन है कि नामकरण संस्कार 3 महीने 10 दिन में करना चाहिए। 100 नंबर दिन में जब बच्चे को 100 दिन हो जाता है 100 दिन पूरे हो जाता है तब नियम है कि ये नामकरण संस्कार करना चाहिए। अब ये वसुदेव महाराज जी अपने पुरोहित गर्गाचार्य को बोलते हैं कि आप कृपा करके चले जाइए और ब्रज में नामकरण कर लीजिए। तो गर्गाचार्य वसुदेव के प्रार्थना से ब्रज में आते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य ब्रज में आते हैं तो उनको देखकर ही नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए उनको चरण को धोते हैं उनको पुष्पमाल्य देते हैं उनको बिठाते हैं बोलते हैं प्रभु आप जैसे महाभागवत का इस जगत में अवतीर्ण इसलिए हुआ है कि हम जैसे बद्ध जीव हम जैसे गृहस्थों का कल्याण हो सके हम जैसे ग्रस्त को कल्याण करने के लिए आप जैसे महाभागवत हमारे ऊपर विशेष कृपा करने के लिए आप इस जगत में आए हो। और कहते हैं महत विचलनाम नीणाम दीन चेतसाम निश्रेषाय भगवन कल्पते नान्यथा क्वचित। आप जैसे महत लोग इसलिए तो विचरण करते हो कि हम जैसे ग्रस्त के ऊपर विशेष करके कृपा हो जाए वरना आप जैसे साधु तो हर समय भगवान के नाम जप में डूबे हुए मस्त रहने वाले आप क्यों आओ ग्रस्त के घर में। क्योंकि ग्रस्तों को कल्याण करने के लिए ही आप साधु हैं ग्रस्त के घर में आते हो। बड़े स्तुति किए बड़े प्रसन्न हो गए गर्गाचार्य। फिर बाद में नंद बाबा कहते हैं कि आप आ ही गए हो तो आप क्या करो मेरे घर में 2 लाला है एक रोहिणी की लाला और एक मेरे लाला तो दोनों का ही नामकरण अभी तक हुआ नहीं और ब्रज में कभी कुछ भागदौड़ मच जाती है पूतना आ गई सकटासुर पता नहीं सगड़ कैसे टूट के गिर गया लाला ऊपर उड़ गया पता नहीं क्या क्या हो रहा है ब्रज में सारे अपशगुन हो रहा है। इसलिए ब्रज में आप आ तो गए हो इसलिए आप नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए ये आए हैं उसी काम के लिए। अब देखो पुरोहित क्यों बनते हैं ये वशिष्ठ जी पुरोहित बनना नहीं चाहते थे। रामायण सुने हो कि नहीं रामायण में राम जी के गुरु कौन है ये वशिष्ठ जी राज पुरोहित। लेकिन ये पुरोहित बनना नहीं चाहते थे लेकिन ब्रह्मा जी ने इनको बोला कि देखो तुम अगर पुरोहित आओगे तो रघुवंश में भगवान राम आएंगे और तुमको उनको सेवा करने के अवसर मिलेगा। बोले क्या सेवा बोले तुम उनको नामकरण करोगे जनेऊ आदि संस्कार करवाओगे इसलिए तुम्हें सेवा का अवसर मिलेगा इसलिए ये पुरोहित को स्वीकार किए। उसी प्रकार ये गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी हैं ये भी पुरोहित बनना नहीं चाहते थे लेकिन ठाकुर जी की सेवा करना पड़ेगा ठाकुर जी को गोद में लेना पड़ेगा और ठाकुर जी के नामकरण करना पड़ेगा इसीलिए गर्गाचार्य पुरोहित बन के आए। अब गर्गाचार्य महाराज जी ने सोच ही रहे थे कि मैं क्यों ना नंद बाबा मुझे बोल दे कि नामकरण कर लूँ मैं तो भैया आया हूँ उसी चीज के लिए ब्रज में। तो गर्गाचार्य बोलते हैं नामकरण तो कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है बोले बिना उस सब के नामकरण होगा। तो ब्रजवासी बोलते हैं ले ये कोई बात हुआ ब्रज में ठाकुर हंसते हुए नामकरण उत्सव होता है ठाकुर रोते हुए उत्सव होता है उत्सवों के लिए वो बहाना ढूंढते हैं
और नामकरण होगा और ठाकुर जी का उत्सव नहीं होगा, इतने बड़े चीज होगा और उत्सव ही नहीं, बिना उत्सव के कोरी कोरी नामकरण संस्कार। नंद यशोमती मैया तो बोली भैया ये उत्सव हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसे नामकरण संस्कार। लेकिन गर्गाचार्य जैसे त्रिकाल भागवत महाभागवत आए हैं उनके सम्मान रखने के लिए ठीक है आप जैसे चाहते हो ऐसे उत्सव नहीं करके हम नामकरण कर देंगे, बताओ क्या करना होगा। तुम छुपके से क्या करना, दोनों लाला को सज दज करके जो कमाल प्रभु इधर आ जा, कमाल प्रभु जी इधर आ जा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम छुपके से आना और छुपके से क्या करना, दोनों लाला को सज धज के बड़े सुंदर वस्त्र पहना करके उनको गुहाल में ले आना, वहाँ पे नामकरण कर देंगे, गौ माता के सन्निध्य में नामकरण हो तो और भी मंगलमय हो जाएगा। बोले ठीक है। यशोमती मैया के मन में तो पहले ही शंका थी, यशोमती मैया बोलने लगी अरे सब लोग कहते हैं गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी है, सच में त्रिकालदर्शी है कि नहीं। बोले रोहिणी माता बोले भैया बोले बहन मैं भी तो सुना हूँ त्रिकालदर्शी है। बोले कैसे पता चले, बोले परीक्षा लेने जाए। बोले ठीक है क्या परीक्षा ले जाए, बोले देखो बड़े वो रोहिणी के जो पुत्र हैं उनको मैं पकड़ लेता हूँ और मेरे बेटा को तू पकड़ ले। अब जब नामकरण करेंगे तो सबसे पहले बड़े बेटे का नामकरण होगा, तो ये गर्गाचार्य देखेंगे और हम अदल बदल कर लेते हैं, अगर उनको सच में त्रिकालदर्शी हो तो ये सच में बता देंगे, अगर झूठ मूठ होगा तो बिना उत्सव के हम नामकरण नहीं करेंगे। ठीक बात है। अब कृष्ण को पकड़ लिया रोहिणी ने और बलदेव दाऊ को पकड़ लिया यशोमती मैया ने, बड़े सुंदर सज धज करके बड़े सुंदर तिलक करके मोर माथे पे घुंघराली केस में बड़े सुंदर मल्ली के फूल आदि सजा करके ठाकुर जी को ले आए। जैसे ही ले आए बैठ गए तो बैठने के बाद गर्गाचार्य तो है त्रिकालदर्शी, आंख बंद किए, आंख बंद करके ध्यान करते हैं कि ये जो यशोमती मैया के जो गोद में जो बड़े भैया है बलदाव जी है ये वास्तव में है कौन। उनको ध्यान में देखने लगे, ध्यान में देखते ही बोलते हैं कि अयं हि रोहिणी पुत्र रमयन श्रोदा गणे। ये जो देख के बोलते हैं कि यशोमती मैया तुम्हारे गोद में जो लड़का है ये है रोहिणी के पुत्र। अब तो पक्का पता चल गया कि भाई ये बाबा तो सचमुच त्रिकालदर्शी है, नहीं तो इनको कैसे पता चला। अब एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे, बोले बताओ नाम क्या है। ना बला दुख्यम बल विधु, ये बल में अत्याधिक विदु यानी श्रेष्ठ होंगे इनके लिए, और रमयन सुहृदम गणे सबके हृदय में रमन करेंगे इसके लिए इनका नाम हो गया बलराम। बोलो बलराम दाऊ की। और क्या करेंगे, कभी कभी ये यदुवंश में यादों में वह और ये गोप जाति में अगर लड़ाई झगड़ा हो गए तो ये दोनों को संकर्षते ही थी, ये दोनों को संकर्षण करेंगे। क्यों, यहाँ पे संकर्षण का अर्थ तो ले रहे हैं, संकर्षण का अर्थ क्या है ना, ये पहले कहाँ आए, देव की माता के गर्भ में आए। कल श्रवण कर रहे थे ना किस प्रकार देव की माता के गर्भ में आते हैं सप्तम गर्भ में, और फिर योग माया देवी के द्वारा संकर्षित होके रोहिणी माता के गर्भ में आ गए, इसलिए संकर्षित होके आने के कारण इनका नाम संकर्षण है। लेकिन नंद बाबा को क्या पता, नंद बाबा पूछ रहे संकर्षण मतलब क्या है ना, ये कभी कभी वो सोच रहे हैं कि लग रहा है हमारे यादों में और हमारे में अच्छे संबंध है, कभी अगर लड़ाई हो जाए तो ये जो बड़ा बेटा है ये हमको आपस में सुलझा देगा लड़ाई को और मिला देगा, ऐसे सोच रहे हैं। तो और भी इनका नाम क्या है, बलेन तिष्ठति भद्रा, जो भद्र में भद्रता में जो सर्वश्रेष्ठ है इसलिए इनका नाम बलभद्र भी होगा, और चित शक्ति के अधिष्ठात्र देवता होने के कारण इनका नाम बलदेव भी होगा। इस प्रकार बलदेव जी का नामकरण कर लिया। जैसे ही बलदेव जी का नामकरण करते हैं अब यशोमती मैया को तो बड़ी उत्साह हो रहा है कि कैसे कृष्ण का नामकरण हो, मेरे लाला का क्या नाम होगा, मेरे लाला का क्या नाम होगा, वो तो रह ही नहीं जा रही है। अब इतने में गर्गाचार्य आंख बंद करे, बोले यशोमती के लाला का नाम क्या हो, आंख बंद करके देखने लगे, आंख बंद करके देखने लगे, क्या देख रहे हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है उनका क्या एक नाम है, अनंत अनंत नाम है, सहस्र वदन प्रभु फनि जार मुख गुण गाए, सहस्र सहस्र शेष नाग भी भगवान के नाम को गुणगान करते हैं लेकिन आप तक पूरा नहीं कर पाए।
इतना नाम है भगवान की, तो आंख तो खोल ही नहीं रहे हो। तो नंद बाबा को स्मृति में बोले, भैया बलदेव जी का नाम तो बड़े जल्दी दे दिया, मेरे लाल का नाम, लाला का नाम जब आ गया बारी तो ये बाबा तो आंख ही बंद कर दिया, आंख ही खोल ही नहीं रहे आंख तो। बोले बुलाओ उनको, जगाओ, कहीं समाधि में ना चले जाए। जब ऐसे बोले तब वहां पे नंद बाबा प्रणाम करते हैं, जैसे ही प्रणाम करते हैं बड़े गदगद होके बोलते हैं कि बहुनी शांति नामानी, देखो तुम्हारे ये जो लाल है, तुम्हारे ये लाला का बहुत सारा नाम है, नाम गुण रूपाधेय, गुण और कर्म को लेके तुम्हारे ये लाला का बहुत सारा नाम होगा। बोले क्या क्या नाम होगा? तो बोल रहे हैं कि देखो ये जिस युग में आएगा, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल रहे हैं कि ये जिस युग में आएगा उसी युग के गुण और उसी युग के जो वर्ण है उसी वर्ण और गुण को ले मिश्रित करके ये क्या करेगा, अपना अपना एक नाम होगा इसका। तो बता रहे हैं कि क्या नाम होगा भाई, इसका क्या नाम होगा? तो ये गर्गाचार्य बता रहे हैं कि आसन वर्ण त्रयो ही यश श्री अनुगते तनु गृहते अनुगम नाम, कि इनका जो नाम है कि ये चार युग में आ रहे हैं ना, क्या ना ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण रूप में आएंगे, ये कली युग में ये पीत वर्ण के रूप में आएंगे, और ये त्रेता युग में ये रक्त वर्ण के रूप में आए थे, और इस युग में कृष्ण वर्ण के रूप में ये आए हैं। तो इसी प्रकार चार वर्ण में, चार युग में ये आए हैं। नंद बाबा को क्या पता, नंद बाबा सोचने लगे कि शायद मेरे लाला चार युग में, कोई कोई जो ठाकुर होते हैं, जुगावतार होते हैं, उनका कुछ कुछ रंग मेरे लाला में आ गया है। अब इसके बाद बोलते हैं कि इसका नाम क्या होगा, तो बोलते हैं कि इसका नाम होगा सर्वेण आकृष्टचेति कृष्ण, नाम देते हैं कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है ना, ये अपने तरफ सबको आकर्षण कर लेंगे, इनके इतना रूप माधुरी होगा, इतना सुंदर होगे कि ये अपने इनको तरफ आकर्षित कर लेंगे, और एक एक गुण के अनुसार, एक एक रूप के अनुसार इनका नाम होगा। जैसे आगे आगे श्रवण करेंगे, इस प्रकार गिरिराज लीला में इनका नाम गोविंद होता है, मधुसूदन, केसी दैत्य को मार दिए इसलिए इनका नाम ऋषिकेश भी है, और इनका बहुत अन्य अन्य बहुत सारा नाम है ठाकुर जी को बता रहे हैं। अब इसको आगे बता रहे हैं कि देखो कि तुम्हारे ये पुत्र कभी कभी ये वसुदेव के यहाँ भी जन्म ग्रहण किया था। प्राग अयम वासुदेवस्य कोचित जाता तवाग्रजम, तुम्हारे ये जो बेटा कभी कभी वसुदेव महाराज जी के यहाँ भी जन्म ग्रहण किया था, इसके लिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा, इसका नाम एक वासुदेव होगा। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि नंद बाबा सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरे ही लाला कभी कभी उनके यहाँ पैदा हुआ होगा, इसलिए इसका नाम वासुदेव हो। फिर अंतिम में बोल रहे हैं कि तुम्हारे ही जो लाला है, तुम्हारे ये लाला क्या है ना, नारायणम समो गुणे, इसके जो गुण है ये नारायण में भी गुण दिखाई देगा। मतलब इनका जो, क्योंकि कृष्ण मूल है और कृष्ण से ही नारायण उत्पन्न हुए, तो कृष्ण के कुछ गुण नारायण में है, लेकिन नंद बाबा उल्टा समझे। नंद बाबा समझने लगे कहाँ मेरे इष्ट नारायण और कहाँ इनमें गुण होगा। तो नंद बाबा सोचने लगे कि शायद लग रहा है कि नारायण के कुछ कुछ गुण मेरे लाला में होगा। तब कुछ दिन के बाद जब गिरिराज लीला होता है, तब उसी गिरिराज लीला में जब ठाकुर जी सात सात दिन तक, अभी हम आगे गुरुदेव के मुखारविंद श्रवण करेंगे, कैसे ठाकुर जी सात सात दिन तक बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुष्ठी के नखाग्र पे ठाकुर जी गिरिराज को धारण करते हैं, और गिरिराज को इस प्रकार सात दिन धारण करना कोई साधारण बात नहीं है, इतने कम आयु में धारण करना कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए वहाँ पे जैसे ही नंद बाबा के सब ब्रजवासी बोलते हैं, अरे तेरे लाला तो कोई जादू तो ना जानता है, तुम्हारे लाला तो भगवान है, तो नंद बाबा बोलते बोले चुप करो। जिस समय ये गर्गाचार्य आए थे उन्होंने एक चीज को बोले थे, क्या ना, ये अपने श्रिया कीर्ति अनुभावनो, ये अपने श्री और कीर्ति के द्वारा बड़े जगत में जस होगा, और सबसे बड़ी बात तो नारायणम समो गुणे बोले थे, क्या ना नारायण के कुछ कुछ गुण इसके अंदर में है, इसीलिए ये गिरिराज को उठा दिया। नहीं तो मेरे लाला कौन से भगवान है, लाला तो हमारे घर में तो एक एक छोटे छोटे चीज के लिए रोता है,
माखन मिश्री चोरी करता है, पता नहीं क्या क्या उत्पात मचाता है। तुम बता रहे हो ये भगवान है, अब बताओ भगवान कहीं रोते हैं, भगवान कहीं चोरी करते हैं? तो सब ब्रजवासी मान गए, भाई नंद बाबा तो सही कह रहे हैं। इसी प्रकार गर्गाचार्य ने भगवान का नामकरण कर दिया। लेकिन जितने भी ब्रजवासी थे, देखना जो कृष्ण न है ये पूरा क्या होता है ना, जीव टेढ़ी घूम जाता है, बहुत सारे लोग इसके नाम को उच्चारण नहीं कर पाते। राजस्थान में है ना किशनगढ़, कृष्ण नहीं, कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन जो राम जी के नाम है वो तो पूरा आराम से राम उच्चारण हो जाता। लेकिन ये टेढ़े टांग वाला का नाम भी बड़ा ही टेढ़ा है, इसको उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो ब्रजवासी बोले, भाई तो बड़े कड़वा नाम दे देता हूँ। तो ब्रजवासी बोलते, देखो हम कृष्ण वृष्ण नहीं बोलेंगे, बड़े को बलुआ और छोटे को कनुआ बोलेंगे। इस प्रकार दोनों का नामकरण हुआ। बोलो कृष्ण बलराम की, बोल भक्तवत्सल भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय बोलो। हाँ देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हमारे गुरु जी की इतने महिमा है, इनके सन्यासी लोग तो प्रचार करते हैं और इनके गृहस्थ लोग भी प्रचार करते हैं, लेकिन हमारे बड़े गुरु जी के जो माताएं हैं ना, ये लोग भी प्रचार करते हैं, भगवान की कथा को भी प्रचार करते हैं। जैसे यहाँ पर विशाखा दीदी ने, सोच नहीं सकते उसने इतने लोगों को भजन में लगाया ना, तुम सोच नहीं सकते इतने लोगों को उसने भजन में लगाया। कीर्तन करती है घर घर में जा करके, मृदंग बजाती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा करती हैं। अब सोच नहीं सकते इसने जितने भक्तों को उसने भजन में लगाया, इनके लिए ताली बजाओ। ये माता जी और ये इनका ग्रुप है, सवेरे कितने बजे उठा देती है सबको, 4 बजे उठा करके ये खुद हरिनाम करती। ऐसे नहीं इसका घर गृहस्थ नहीं, इसका पति है, इनके 2 बेटे हैं, इसकी बहू है, ये पूरा दूरा संसार का काम भी करती है, पति को खिलाना, अपना बच्चों को देखना, सब कुछ करते हुए भी भजन करती है। जैसे कि हमारे विशाखा दीदी यहाँ पर बैठी है, ये मत समझो ये केवल भजन करती, नहीं, इनका घर तो यही है, यही घर ना, इनके पति है, इनके भी 2 बेटे हैं, इनकी ससुर भी है, ये सबकी खुश करते हुए, सभी की सेवा करते हुए ये विशाखा दीदी प्रचार करती हैं। और ये भी ऑनलाइन में, ये विशाखा देवी ये ऑनलाइन भी, ये दोनों ही ऑनलाइन में क्लास करते हैं। मैंने विशाखा दीदी को पूछा कितने लोग जुड़े हुए इनका ऑनलाइन में, कह रहे थे 1000 लोग जुड़े हुए, 1000 लोगों को सवेरे उठा करके ये हरिनाम कराती है सबको, फिर इनको कथा सुनाती है, फिर ऑनलाइन में क्लास देती है, फिर बच्चों को ये कोर्स भी कराती है, अभी गीता की कोर्स करवा रही है बच्चों को, कितने लोगों को भजन में लगाया इन लोगों ने। इसलिए हम सोचते हैं यहाँ पर आप जितने बैठे हैं ना, अगर एक एक विशाखा और इसका नाम सरिता अगर हो जाओगे ना, लगता है महाप्रभु का भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा प्रभुपाद को किसने बोले, प्रभुपाद हर शहर शहर में एक भगवान की मंदिर होनी चाहिए, गौड़ीय मठ। प्रभुपाद कहते शहर शहर में, मैं चाहता हूँ हर गांव गांव में एक गौड़ीय मठ हो, बोले गांव गांव में नहीं एक घर घर में गौड़ीय मठ हो, बोले घर घर में नहीं एक इंसान को गौड़ीय मठ बना दे। हम लोग भी ताली नहीं बजाए, वो कहते हर इंसान को हम चाहते हैं गौड़ीय मठ बना दे। मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति ये तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, वही भगवान की मंदिर है। जो लोग गला में तुलसी कंठी और तिलक लगाते हैं वही भगवान की मंदिर है। आप एक एक मंदिर हो, अगर इनकी जैसे आप एक एक माता, देखो इसलिए खड़े करके बता रहा हूँ, आपकी अंदर में भी ये जोश आए, हम भी ऐसे महाप्रभु का वाणी जगत में प्रचार करें, सारा दुनिया भगवान की भक्तिमय हो जाए, घर घर में हरि कीर्तन हो, घर घर में भगवान की सेवा पूजा हो, और जिस घर में भगवान का कीर्तन सेवा पूजा हो वही घर ही गोलोक वृंदावन बन जाता है, वही घर ही वृंदावन है। इसलिए वृंदावन जाने का जरूरत नहीं, अपना घर को ही वृंदावन बना दो। अगर तुम्हारे बच्चे भजन करे भक्ति करे, तुम्हारी घर ही तो वृंदावन हो गया ना, तुम्हारी घर तो वृंदावन हो गया ना। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए इनको हम खड़े किए हैं, ये आपको ये बताएगी हम घर में रहते हुए भी
भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे नहीं घर छोड़कर जो संत बन गए वही केवल भजन कर सकते, हम नहीं कर सकते। इसलिए आप जो इसी विषय पर कैसे भक्ति करती हैं, कैसे लोगों को जोड़ती हैं, कैसे कथा सुनाती हैं, ये थोड़ी सी आपको सुनाएंगे। बोलो सर। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदाल्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद भज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु श्री नित्य लीला परवेश ओष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत व्यासपीठ आसित श्री पूज्य पाठ श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सभी रूपानुभक्तों के चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए ये सब गुरुदेव का ही वैभव है, हमारा अपना कोई भी बल नहीं होता भजन करने के लिए। और हम भी एक गृहस्थ हैं आपके जैसे ही, गुर्जर समाज से हैं। आप जानते हैं गुर्जर समाज में कितनी रोक टोक है स्त्रियों के ऊपर, परंतु जब गुरुदेव के ऊपर विश्वास और श्रद्धा पक्की हो तो आपको भजन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं, हम गलत रास्ते पर नहीं हैं। श्री गुरुदेव के आशीर्वाद में कितना बल है, मैं एक छोटी सी आपको कथा सुनाती हूँ। एक सोदास नाम का एक ब्राह्मण था और वो ज्ञान की कुछ शास्त्र ज्ञान के लिए कई चाह रहा था कि मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान दे। जैसे सभी पहले यही चाहते हैं कि कुछ ज्ञान मिले, ज्ञान मिले, बल्कि ज्ञान भी भक्ति के बिना अधूरा है, ज्ञान भक्ति के बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और सोदास ब्राह्मण ने अपने आप के लिए एक गुरु की खोज की और उनको गौतम ऋषि गुरु के रूप में मिले। गौतम ऋषि के चरणों में जाकर सोदास ब्राह्मण ने बड़े सुंदर वचनों से कहा, प्रभु मुझे कुछ ज्ञान धर्म की, मुझे कुछ ज्ञान धर्म की कुछ शिक्षा दीजिए। उनको बड़ी सुंदर शिक्षा दी गौतम ऋषि ने कि किस प्रकार से भजन करना चाहिए, किस प्रकार से इष्ट को मनाना चाहिए, क्या उनकी प्रसन्नता है तो क्या तुम कर सकते हो। जान लिया जो सोदास था, देखो ये बात बड़ी खास है, इसको ध्यान से सुनना। सोदास ने गुरु वर्ण कर ज्ञान को अर्जित कर लिया, परंतु जिस प्रकार से सदगुरुदेव का सम्मान करना चाहिए ये सबसे पहले हृदय में बात आती है। मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया, अब गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, ये उसके सोदास के हृदय में बात आ गई। और एक दिन बैठा था अपने भजन पर, श्री गुरुदेव आ गए, सम्मान नहीं किया। स्वयं जिन इष्ट को वर्णन कर भजन कर रहा था वही स्वयं यदि गुरुदेव का सम्मान ना करें तो वही रुष्ट हो जाते हैं, कहाँ भगवान आएंगे। जिन्होंने सिखाया यदि उनको ही कोई सम्मान नहीं देता, क्योंकि गुरु ही हमारी वह डोर है जो हमें भगवान से बांधती है। और मन में अभिमान आ गया जिसके कारण उसको राक्षस योनि भुगतनी पड़ी, राक्षस योनि का श्राप मिल गया उसको और वह गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। गुरु बड़ी करुणा की मूर्ति होते हैं, गुरु करुणा की मूर्ति में, करुणा की मूर्ति स्वरूप भगवान श्री गुरुदेव ही होते हैं। और गौतम ऋषि ने कहा, बेटा जो भूल की उसको तो पश्चाताप करना पड़ेगा, कुछ दिन तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। और उसके पश्चात एक दिन जब सोदास ये तो राक्षस हो गया और जंगल में सबको कीट पतंग क्या जानवर सबको भक्षण करता रहा, इतना भक्षण किया कि कहते हैं कि पूरे जंगल को हड्डियों से भर गया। वहां से निकल चल पड़ा आगे, क्योंकि उस जंगल में कुछ रहा नहीं खाने को। और जब आगे चले तो उनको भृगु ऋषि मिले। देखो यहाँ पर संत की महत्वता को समझना,
और भृगु ऋषि गंगाई स्नान कर और अपना भगवान का भजन करते हुए आ रहे थे। भृगु ऋषि का दर्शन करते ही उसको तो लगा मेरा भोजन मिल गया, मुझे भोजन मिल गया। और उसने एकदम से हाथ बढ़ाया राक्षस ने एक संत को ब्राह्मण को खाने के लिए, लेकिन उसके हाथ उस तक पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? एक तो संत ऊपर से प्रभु का भजन कर रहे थे। भगवान के भजन में इतनी शक्ति है कि आपको कोई बुरी शक्ति छू भी नहीं सकती। सोदास को पहले तो उनका दर्शन, संत का दर्शन करने से और दूसरा उनका भजन सुनने से हृदय कुछ परिवर्तित हुआ और हृदय परिवर्तित हुआ और सोचने लगा ये कौन सी शक्ति है। मैंने तो कितने ब्राह्मणों को खाया है अभी तक, कितने भजन करने वाले कितनों को खाया, इनको मैं क्यों नहीं छू पा रहा हूँ? क्योंकि ये सच्चे संत थे। भजन करने वाले तिलक कंठी धारण करने से ही भजन करने वाले नहीं हो जाते। जब तक सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, भजन के प्रति अटूट विश्वास नहीं होगा, वो शास्त्र में कह गया वो पूरा भक्त नहीं है अभी। और कह दिया कि हे प्रभु मुझे बताइए आप कौन है और मैं इस योनि से कब छुटकारा प्राप्त करूंगा। तब भृगु ऋषि ने कहा कि भगवान की अमृतमयी कथाएं सुनो, उन्हीं से तुम्हारे सारे जन्मों के कर्म बंधन सब छूट जाएंगे। तो इतनी बलशाली होती है भगवान की कथा, जो हमें कौन सुनाते हैं? श्री गुरुदेव। यदि गुरुदेव के ऊपर विश्वास कर भगवान की कथाओं में विश्वास करोगे, श्रद्धा रखोगे, अटूट विश्वास रहेगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब पहले तो अपनी श्रद्धा पक्की होगी तभी जाकर हम भजन करेंगे। दरअसल बात यह होती है कि किसी भी समाज में क्यों नहीं सही, सबसे पहले अपनी श्रद्धा कमजोर होती है तब कोई आपको डिगाता है भजन से। और वो श्रद्धा कब पक्की होगी? जब गुरुदेव के चरणों में आपकी श्रद्धा पूरी होगी। तो यहीं पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि श्री गुरुदेव के प्रति अटूट विश्वास, पक्की श्रद्धा और अपने भजन के लिए खुद ही चेष्टा करनी होगी। शास्त्रों का ज्ञान या कोई धर्म अर्थ इस प्रकार की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है श्री गुरुदेव के चरणाश्रित हो जाना, श्री गुरुदेव का मिल जाना। यदि सदगुरुदेव से हम मिल गए और हमारी श्रद्धा पक्की रही तो एक दिन हम अवश्य ही आनंद धाम, भगवान के धाम में अवश्य पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से सोदास जी को अपनी राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई, उसी प्रकार से हम सबके लिए ये बहुत सुंदर एक अवसर है कि श्री गुरुदेव हमारे सामने है। पता नहीं कौन से जन्म का कौन सा कर्म आगे आ जाए, इसलिए भैया पहले भक्ति कर लो, हरि नाम कर लो, क्योंकि यह है शुद्ध गुरुदेव के मुखारविंद से अमृतमय गंगा आपके घर में आके सामने बह रही है। और श्री गुरुदेव महाराज की वांछा कल्प तरु भविष्य कृपा सिंधु भविष्य पतिता नाम पावनो श्री वैष्णव नमो नमः। हरे एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो यहाँ पर हमारे श्री विशाखा जी तो बैठी है, आप लोग कोशिश करना इनका जो ग्रुप है ये ग्रुप में जुड़ जाने के लिए, क्योंकि ये सब तो हरिनाम में लगाती हैं, उनको सुंदर सुंदर कथा सुनाती हैं, फिर आपको भी कथा सुनाएगी तो आप भी कथा सुनोगी और एक दिन आपको भी एक दिन ये विशाखा दीदी दूसरे विशाखा दीदी बना देती है, क्योंकि उसमें सबको भी कथा बोलने के लिए मौका देती हैं। आप भी कथा बोलो, आप भी कथा बोलो, आप भी कथा बोलो, इसलिए आप लोग जरूर विशाखा दीदी की ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। हाँ, जुड़ करके घर में भगवान की भक्ति करो और सुख में रहो। हमारे प्रभु जी श्री जीत प्रभु जी हरे कृष्णा मताई कहाँ पर जा रहे हो? कोई कभी मत जाओ, आज गिरिराज जी की जाओ। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य तदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद रूपानु समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद श्रीमद भागवत जी के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और महाराज जी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित ब्रह्मचारीगण वैष्णव माताएं प्रभु लोग दीदी लोग सभी के चरणों में नेता योग के दंडक प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, पिछले शायद छः दिन से लगभग ना आज गिरिराज पूजा है, छः दिन से यहाँ पर भागवत जी के आश्रय में बैठे हुए महाराज जी के सानिध्य में भगवान के दिव्य चरित्रों के बारे में हाँ भागवत के बारे में हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। लग रहा तो बड़ा आसान है, कहते हैं टेंट लगा हुआ है कि सड़क पर टेंट लगा हुआ है, और कह रहे जहाँ भागवत कथा होती है ना, भागवत कथा होती है वो साक्षात वृंदावन धाम के बराबर है। अभी साधारण जगह नहीं है, ग्रेटर नोएडा नहीं है यहाँ पर, या कोई गली नहीं है, जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ नारद जी ब्रह्मा जी नारद जी व्यासदेव सुखदेव परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी सौनक आदि विदुर मैत्र ऋषि हैं भृगु ऋषि आदि आदि ऋषि वहाँ पर बैठते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर वास होता है। तो आप जिस भूमि में बैठे हैं कोई साधारण नहीं है, और महाराज जी जो कथा श्रवण करा रहे हैं ये कथा भी बड़ी दुर्लभ है। महाराज जी ने बड़े उदाहरण के द्वारा समझा होगा कि पार्वती के लिए दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ है, हैं इंद्र आदि आदि स्वर्ग में भी ये दुर्लभ है, और पृथ्वी लोक में भी तो बहुत दुर्लभ है। पर ये कथा किसी तरह से हम लोगों को हमारे घर में एकदम और घर के पास यहाँ से वॉक करने आओ तो यहाँ पे बैठ जाओ कितना आसानी से मिल गई है। तो ये कथा मिल गई है, और इस कथा में भागवत कथा से अगर कोई एक अक्षर भी लेके जाएगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, एक अक्षर भी। तो मैं एक कथा सुनाता हूँ, कई बार कोई यदि सुनेगा 7 दिन सुनेगा और श्रवण करके यदि जाएगा वो तो कहे उसकी महिमा ही क्या है, और कोई एक अक्षर भी लेके गया तो उसकी भी महिमा कम नहीं है। इसलिए एक बार की बात है, एक बार किसी ने कथा आयोजन कराया, किसी एक व्यक्ति ने आयोजन कराया, तो वो ऐसी कथा निमंत्रण करने के लिए जाते थे घर घर में, भैया आज हमारी कथा में आना, आज हमारी कथा में आना। तो वहाँ पर एक लाला जी मिले, लाला जी सेठ जी मिले, उनकी परचुने की दुकान थी, राशन की दुकान। तो उनको बोला, लाला जी से बोला, भैया हमारे महाराज जी आए वृंदावन से और तुम आज कथा सुनने के लिए जरूर आना। तो लाला जी ने कहा, हाँ आपको पता है समय तो है नहीं, और देखूंगा समय निकल गया तो मैं आऊंगा, अभी पूरा दिन निकल गया आए नहीं। तो दोबारे का भैया आज कथा का एक दिन निकल गया, 6 दिन बचे हैं, आज कथा में जरूर आना आप, कल तो आ नहीं पाए कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए आओ, आप आओ प्रणाम करके चले जाओ। तो उन्होंने कहा, हाँ आज मैं देखता हूँ, थोड़ा सा काम निकल गया तो मैं आज पक्का आऊंगा। दूसरे दिन देखा तो आए नहीं, फिर उन्होंने कहा, वो भी दोबारे से गए लाला जी के पास, लाला जी आज कथा का 2 दिन निकल गए, 5 दिन बच रहे हैं बस, आज कथा में जरूर आना। कह रहे भैया देख रहे हो भीड़ लगी रहती है, राशन की दुकान है, मैं नहीं बैठूंगा तो कौन संभालेगा, कहना चलो मैं देखता हूँ आ जाता हूँ। तीसरे दिन निकल गए, लाला जी कथा में आए नहीं, तब तो वो फिर गया, कहते मैं पीछे ही पड़ गया तो कथा में भुला के रहेगा।
उसने कहा चलो कथा में चला जाता हूँ। तो कहना भैया मैं आज कथा में आऊंगा। चौथा दिन था वो कथा में लाला जी आए, कह रहे दो मिनट के लिए आता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली कथा जो मैं सुना रहा हूँ यही कथा चल रही थी भागवत में लाला जी की। तो लाला जी आए वहां से पीछे से आए, तो वहां पर एक प्रसंग चल रहा था ये वाला। ये लाला जी कभी आते नहीं थे, वो एक व्यक्ति का, तो बोले आ गए। तो लाला जी आ रहे थे, लाला जी की बात चली नहीं रही थी, वो कोई कथा में बात चल रही थी। लाला जी कह रहे मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को देख के कह रहे आ गए। अरे अरे देखो वो बैठ गए लाला जी पीछे कुर्सी में, कहा बैठ गए। तो उन्होंने कहा बैठ गए। अरे देखो मैं आ नहीं रहा था, आज ही आया हूँ। तो वो कह रहे मैं जाता हूँ, तो मेरे को देख रहे तो चल दिए। बोले चल दिए, तीन अक्षर सुने भागवत में। मैं कह रहा हूँ एक अक्षर भी लेके जाए भागवत में उसका कितना मंगल होगा। अब ज्यादा कथा सुनी नहीं उसने, बस भागवत में तीन अक्षर सुने क्या, आ गए, बैठ गए और चल दिए, और तीन अक्षर लेके चले गए। वो चुप गए, उसको हृदय में चुप गए बड़े। और वो जाते जाते क्या बोल रहे, देखो आज मैं कथा सुनने आया, मेरे को बोल रहे आ गए, बैठ गए, चल दिए। बड़बड़ाते जा रहे, आ गए, बैठ गए, चल दिए। अब घर गए, उनकी पत्नी ने कहा लाला जी आज कहाँ गए थे, दुकान पे आए गए थे नहीं आज। तो लाला जी क्या करे, आ गए, बैठ गए, चल दिए। अब लाला जी को रात में खाना लेके आए उनकी पत्नी। लाला जी कह रहे, बोली लाला जी प्रसाद तो पा लो, खाना खा लो। तो बोली आ गए। लाला जी को कुछ भी नहीं जा रहा था, तीन शब्द बैठ गए भागवत के, आ गए, बैठ गए, चल दिए। और लाला खाना भी खा रहे तो वो तीन शब्द बड़बड़ाए जा रहे। अभी रात को सोने का समय आया, लाला जी सेठ जी सोने के जा रहे, पलंग पे सोने जा रहे हैं। बोले आ गए, बैठ गए, चल दिए। अब क्या होगा लाला जी को, आज कहाँ ये कहाँ से लिया है तीन शब्द, अरे भूल ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा अभी लाला जी बड़बड़ाते, सपने में भी आ गए, बैठ गए, चल दिए, ऐसे ही बोले जा रहे। अभी क्या हुआ, उनके घर में चोर चोर आ गए, चोर आ गए। और लाला जी बोले आ गए, चोर कर रहे देख ले देख ले देख ले, बैठो, बैठ गए। चोरों ने कहा अरे ये तो देख रहा भाई, भाग के जैसी चोर भागने लगे, चल दिए। अब उनकी आंख खुल गई एकदम से, पत्नी की आंख खुल गई, बेटे की, भागे भागे देखो घर में चोरी, चोर आए थे और तिजोरी तोड़ने वाले थे और भाग गए। तो उन्होंने कहा अरे चोर, बोले लाला जी बड़ो आ गए, बैठ गए, चल दिए, तीन सब देखे गए भागवत से। और उनका पूरा तिजोरी सोना चांदी आदि आदि सब बच गया, कोई शब्द नहीं, चुप गए उनके हृदय में तीन शब्द लेके गए। और आप तो भागवत में भगवान का नाम लेके जाओगे, कथा लेके जाओगे, कीर्तन लेके जाओगे, प्रसाद लेके जाओगे, हैं इतना क्या नहीं मिलेगा, तो बहुत कुछ मिलेगा यदि लेके जाएंगे। तो महाराज जी का आदेश हुआ है, महाराज जी हमेशा हर भागवत में कथा सुनाते हैं। भागवत में 360 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 100 उदाहरण के द्वारा भागवत कथा को तरह तरह के उपाख्यान के द्वारा, प्रहलाद जी का उपाख्यान, ध्रुव महाराज जी का उपाख्यान, अम्बरीश महाराज जी का उपाख्यान, बहुत सारे उपाख्यान के द्वारा, सुंदर सुंदर उपदेशों के द्वारा, भगवान कृष्ण की लीलाओं के द्वारा ये समझाया गया है। परंतु महाराज जी अपने अनुभव के द्वारा, एक बड़ा सुंदर उदाहरण के द्वारा हम लोगों को कथा सुनाते हैं। तो महाराज जी का आदेश हुआ इस कथा को मैं सुनाऊं। इस कथा उदाहरण के द्वारा बहुत लोग महाराज जी ने बदले हैं, बहुत लोग का जीवन परिवर्तन हुआ है। अगर आप लोग भी इस कथा को सुनोगे आपका जीवन भी निश्चित ही बदल जाएगा। तो क्या है, उदाहरण को ध्यान से सुना, ये सब की हमारे जीवन की कथा है। तो महाराज जी जो लाइव देखते हैं महाराज जी कथा, महाराज जी हमेशा इस कथा को सुनाते हैं। एक राजा की चार रानी थी, ध्यान से सुनना, कितनी रानी थी, उधर देखो वो देखते हैं, एक राजा कितनी रानी थी, वो राजा तीन रानी को बहुत प्रेम करता था। पहली जो रानी है उसको जो इच्छा हुई वही ला कर देता था। अगर वो बोलती थी रात को मेरे को यही साड़ी चाहिए बनारस की, वो वही साड़ी लेके आता था। अगर रात को बोले मेरे गोलगप्पे खाने हैं तो गोलगप्पे लाता था, दुकान बंद हो कहीं से भी जाके लाता था। अगर वो राजा कहता है कि रानी कहती है कि मेरे को आज क्या ये डब की साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, जो वस्तु मांगता था राजा वहीं जाके लेके आता था। बहुत प्रेम करता था राजा पहली रानी को।
जो भी इच्छा करती थी से लाके देता था। और दूसरी रानी जो है वो बहुत सुंदरी थी राजा की। हाँ, आप लोग से कहाँ जा रहे हो? आज गिरिराज जी जा कहाँ होने जा रहे हो? घर पास में ही माता जी, पास ही, दूर है? अरे कितना दूर है, मत जाओ। आज गिरिराज की कथा सुनोगे ना, किसी जीवन में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगी घर में। कितने आज महत्वपूर्ण कथा है। गिरिराज जी जाने के लिए 4 घंटा चाहिए, 6 घंटा परिक्रमा के लिए चाहिए है? और वहाँ पर जाके यहाँ फ्री में मिल जाएगी। गिरिराज जी का प्रसाद परिक्रमा, बैठ जाओ बैठ। घर में जाकर टीवी देखोगे, बैठ जाओ, सास बहू की लड़ाई देखोगे। हाँ, सभी के लिए प्रसाद प्रसाद ही मिलेगा ना। हाँ, प्रसाद मिलेगा, बस प्रसाद बनाना नहीं पड़ेगा, पाके सोना ही जाने, जाके सो जाना मत, बैठ गए। तो राजा की जो पहली रानी थी उसको राजा बहुत प्रेम करता था, जो भी उसको जरूरत होती उसको ला के देता था। हाँ देखो, कल है कथा की अंतिम दिन है, ध्यान देखना, बात सुन लो। कल कथा की विश्राम का दिन है और कल भगवान की शादी भी है, कृष्ण रुक्मिणी की शादी भी है। इसलिए कल आप लोग बढ़िया बढ़िया जैसे शादी में जाते हैं ना, पहन करके लहंगा चुंदरी पहन करके लाल रंग के सज धज करके आना, और लास्ट में होली भी खेलेंगे, गुलाल भी लेकर के आना। आज बिरज में होली रे रसिया, कल होली भी खेलेंगे बढ़िया से, और कल बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके आइयो। और कल का जो कथा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे हम पहले सुना था ना, ये कथा नहीं ये कल्प वृत्य है। 7 दिन के अंदर में जो कुछ ठाकुर जी को मांगेंगे, ठाकुर जी 7 दिन में सब इच्छा को पूरी कर देते हैं। लेकिन कोई आधा सुने, कोई 3 दिन, कोई 1 दिन, लेकिन कल की जो कथा सुन लेगा वो 7 दिन कथा सुनने का फल कल मिलेगा, इतने महत्वपूर्ण। लास्ट में मैं एक सुंदर बृहद भागवत का मृतक कथा सुनाऊंगा, जिसको सुनने से सारे फल तुमको कल मिल जाएगी। इसलिए कल सबके साथ सज धज करके आना। कल यहाँ पर सुदामा का चैत्र भी है और रुक्मिणी का विवाह भी है और कल होली भी है, ठीक है? सुना जो राजा की 4 पत्नियां थी, पहली पत्नी को इतना ज्यादा प्रेम करता था, जो भी वस्तु उसको पाने की थी वो देता था। दूसरी जो राजा की रानी थी वो बहुत सुंदरी थी, तो जिसको भी वो जब शादी में विवाह में जाता था उसको ही लेके जाता था, दिखाता था, देखो ये मेरी जो पत्नी है कितनी सुंदरी है। और बहुत वो राजा की बहुत सुंदरी रानी थी। और जो राजा की तीसरी रानी थी उससे अपने दिल की बात, दुख की बात, स्नेह की बात, जो भी बात है उससे कहता था। और चौथी जो रानी थी जिस दिन से आई है उस दिन से राजा उससे बात नहीं करता था, पर चौथी रानी राजा को हृदय से प्रेम करती थी। जब से आई है ना बात की है, ना साड़ी दी है, ना बिंदी दी है, ना कपड़ा दिया, कुछ नहीं दिया है, कोई बात ही नहीं की इससे। और चौथी रानी इंतजार कर रही, जब इसको धोखा मिलेगा ना तो मैं इसकी मदद करूंगी। अभी राजा का अंतिम समय आया जाने का। जब राजा का अंतिम समय आया तो राजा ने कहा, मैंने अपनी तीनों रानी की बड़ी सेवा की है, अभी मैं पूछता हूँ मेरे के साथ कौन चलेगी। तो पहली रानी थी जिसको राजा बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत, जो भी रात में 12 बजे भी जो चीज़ मांगती थी उसको ला कर देता था। वो पता आपको कौन है पहली रानी जिसको राजा, जो लोग सुना है वो तो जानते, जो नहीं सुना वो नहीं। बताए कौन है वो पहली रानी, कौन है बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ कौन? हाँ, तो राजा की जो पहली रानी है बोल रही है, दीदी शरीर है ये राजा, कोई और नहीं हम ही है। हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? इस शरीर को। अभी तो गर्मी आ रही है ना, एसी ले जाएंगे। हाँ, जब भी जरूरत होगी, गर्मी लग रही है जल्दी एसी चलाओ। और जब इसको अच्छी खाने की जरूरत होगी तो क्या करेंगे, बिल्कुल जो खाने की है, गोलगप्पा तो गोलगप्पा खिलाएंगे, टिक्की खिलाएंगे, समोसा, मटर पनीर। और जब इसको सजने की है ना, ब्यूटी पार्लर इसको ले जाएंगे, 4-4 घंटे इसको सजाएंगे, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया कोट पैंट पहनेंगे, सोने की चैन आदि आदि, जब इस शरीर की जो डिमांड होती है हम पूरी करते हैं। जब अंतिम समय आएगा तो ये जो शरीर है, राजा ने पूछा तुम मेरे साथ चलोगे, तो उसने रानी ने क्या दिया जवाब, मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी, एक कदम भी। तो जो पहला जो क्या है, अगर हम इस शरीर में इतना समय दे रहे हैं, जब अंतिम समय आएगा ये शरीर हमारे साथ एक कदम भी नहीं जाएगा, वहाँ का वहीं रह जाएगा। तो दूसरी जो राजा की रानी है उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
तो उन्होंने जो दूसरी रानी कौन है जो बहुत सुंदरी थी और जिसको राजा हर शादी में लेके जाता था, उस रानी ने क्या जवाब दिया पता है? तुम कम मरोगी और मैं कम दूसरी शादी करूंगी, मैं तो इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा मरने का। तो राजा के तो पैरों से जमीन खिसक गई, क्या देख रहे मैं कितना सुंदरी हूँ, आज तुम मरोगे कल मैं कोई भी शादी कर लेगा मेरी। तो दूसरी रानी का मतलब, दूसरी रानी कौन है? दूसरी रानी है जिसको हम दिखाते क्या धन दौलत। हम किसको दिखाते हैं? मकान बहुत बढ़िया बनाते हैं ना, सबको बुलाते देखो मकान कैसा उद्घाटन होता है ना, और बहुत बढ़िया गाड़ी लाएंगे, मर्सिडीज लाएंगे, ऑडी लाएंगे, सबको दिखाते हैं कितनी सुंदर गाड़ी है। और सोना जब शादी होती है ना हमारे में, चारपाई पे दिखाते हैं इतना सोना तोले का है, इतनी साड़ी, ये सबको दिखाते हैं हम कितना दहेज दे रहे हैं, कितना कुछ देते हैं। तो धन दौलत हम दिखाते हैं सबको, पर जब अंतिम समय आएगा तो वो दूसरी रानी क्या जवाब दिया? तुम कम मरोगे, मैं कब दूसरी शादी करूंगी। मतलब क्या, जो धन हमारे पास है अगर यदि हम मर जाते हैं तो क्या होगा, एक मिनट में क्या वो दूसरे के नाम हो जाता है, भाई है तो दूसरे भाई के नाम हो जाता है, पिता मर रहे तो बेटों के नाम हो जाता है। एक कदम भी साथ वो धन है जो हमारे जाता नहीं साथ में। और उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलोगी, इसको साथ राजा हास प्रयास सारी दिल की बात कर रहा था। वो क्या कौन है? वो है हमारे रिश्ते नाते संबंधी। तो उन्होंने तुम हमारे साथ चलोगे? बोले चलेंगे तो सही, पर कहाँ तक चलेंगे? ये द्वार तक चलेंगे, किसी योनि में जा रहे स्त्री की स्त्री में जाएंगे, पशु पशु जिस योनि में जाएंगे भगवान हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप में रहे। तो वो क्या है? भगवान नाम के रूप में, कलयुग केवल नाम आधारा, कली कली में भगवान नाम के रूप में हमारे पास है और उसी को हम लोग समय नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप चौथी रानी को आप समय दीजिए। ये चौथी रानी का उपदेश देने के लिए भगवान आए हैं, महाराज जी आए हैं। ये हरिनाम संकीर्तन आप लोग कीजिए, हरिनाम कीजिए, इसी से हमारा मंगल है और यही हमारे साथ जाएगा। बोलो हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरु महाराज की जय। जब उससे पूछे साथ में चलोगी, हाँ बताओ उसने क्या उत्तर दिया? बोले मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँगी। मतलब क्या है? आज हमारे पास में पैसा है, ये शरीर छूटते ही ये झट पत्नी दरवाजा से आगे नहीं चलती हैं। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया आरती सजाएंगे, अरे राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक ले जाएंगे। बोले फिर? बोले वहीं पर जला करके टा टा करके वापस आ जाएंगे। अभी ध्यान देकर सुनो, जो हमारे काम की बात है, राजा जो चौथी नंबर की बहू थी, राजा कभी उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा, देखा ये बेकार किसी काम की नहीं, उसको घर की कोने में। उसने चतुर्थ बहू को पूछा साथ में चलोगी? चतुर्थ बहू केवल राजी होती हैं। बोले राजा जिंदगी भर में देखा नहीं मेरे तरफ में, लेकिन मैं तेरे साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी। कहते भैया चौथी बहू कौन है? गप्पे मारेंगे हैं, हमारे बहुत काम है, भजन भजन के लिए हमारे पास में कोई समय नहीं, यही बोलते हैं ना। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति हमें कंधे पर ले जाते हैं, हम लोग देखे हो चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाते हैं, आप बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? अरे जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? जो ऊपर जो लेटा हुआ है उसको बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। मतलब क्या है? तो जीवन में जितने राम का नाम तुमने ली, जीवन में जितने कृष्ण का नाम लिया है, केवल वही सत्य है, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है। बोले सब कोई बात झूठा है। बोले इसके सिवाय तुमने संसार में जो कुछ इकट्ठे किए हो, संसार में तुमने जो कुछ की हो, ये सब झूठा ही था। इसलिए बीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने मेरे साथ।
आइए भजन को आप लोग सब जानते हो। मीरा कहती है पायो जी मैंने, ध्यान देकर सुना, बोले मेरे को मिला, बोले क्या मिला जिंदगी में, बोले जितने राम और कृष्ण का नाम वही मिला, हर जगह में सब ही खुवायो। बोले ये धन मिला कहाँ से, बोले दी मरे सदगुरु, ये धन केवल हमें सदगुरु से मिला है। बोले ये धन कैसे है, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बड़ा तसवायो पायो ये मैंने, राम रतन धन पायो। ये ऐसे के धन है, चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, ये लूटने वाले नहीं फूटने वाले नहीं, जो धन केवल हर समय में बढ़ती रहती है, धन कभी घटेगी नहीं। ये ऐसे के धन है, कौन सा धन है, भगवान की नाम रूपी धन है। कल मैंने बताया था ना, चैतन्य महाप्रभु को जब भक्तों ने पूछे, बोले प्रभु हमारी घर में भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, बोले सबके घर में भोजन नहीं करूंगा, किसको घर में भोजन करेंगे बोलो, अरे बोलो किसको घर में, बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करूंगा। आज से 550 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, आप तो 1,00,000 रुपया की बात करते हो, बोले हमारे घर में क्या भोजन, महाप्रभु क्या बोले, बोले जानते हो असली लखपति कौन है, बोले कौन है, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा दूसरी भजन में क्या कहती है, बोले ले लो रे कोई इसलिए मीरा कहती है असली जो माल है भगवान की नाम रूपी माल है। और एक बार देख लो मेरे तरफ में, हरे कृष्णा इधर देखो, हरि बोल इधर इस तरफ में देखो, लखपति कैसे बनोगे, कल दिखाया था ना, और एक बार देख लो। आज कुछ भक्तों लोग माला लेने के लिए आए थे लेकिन आज दे नहीं पाए मेरे भक्तों को, अगर किसकी आज आपको एक माला दे जाऊंगा, ठीक है। लगता है यहाँ पर तो अक्सर करके भक्त लोग हैं, जिन जिन्हों के पास में माला नहीं है एक एक माला ले जाएगा, ठीक है। कौन लेगा माला बोलो, देखिए हाथ उठाओ, कौन लेगा माला, हाँ अभी कथा के बाद में अपनी उठा नहीं जाने, हाँ ये कथा के बाद में एक देखो, ये जो भागवत कथा का जो सार है ना, ये ठाकुर जी का नाम ही है। जब भागवत शुरुआत हुई भगवान का नाम से शुरुआत हुई, और जो भागवत समाप्त हुई है वो ठाकुर जी का नाम से समाप्त हुई। इसका मतलब होता है भागवत का सार किया है, बोले भगवान के नाम है। जैसे आप लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनोगे, लेकिन ये कथा से तो कुछ लेकर के जानी चाहिए ना, ना यहाँ पल्लू झाड़ कर चली गई, यहाँ खाली हाथ से मत जाओ, लेकर के भगवान का नाम धन को लेना, ठीक है ना। और यही धन ही हमारी अंतिम समय में काम में यही धन ही आएगा, और कोई धन हमारी काम में नहीं आएगी, यहाँ से एक सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगा, सब यही छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसको उसमें हम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये गंधा अंगुल, हम कहते हैं ना तेरे को हम देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता है, इसलिए हम इसको बाहर निकालते हैं। निकाल करके जैसे हरे कृष्णा, बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखो जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब एक बार नाम लेते ही 16 बार हो गया है, 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती हैं, जब यहाँ पर खत्म हो जाएगा इसको पार नहीं करना, इसको ऐसे घुमा देना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करना। अगर इसको ऐसे 16 माला कर लिया तो हो जाता है 25,000,
अगर हमने 64 माला कर लिया हो गया 1,00,000। भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया इसकी ब्याज कितने मिलेगी? बोले दीन दीन भरत सवाई, आज अगर 1,00,000 किया कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000। 4 दिन में कितना हो जाएगा? माघी वाला भैया तेज कर थोड़ा तो तेज कर, 2,00,000 हो जाएगा 4 दिन में है। इसलिए कबीर दास का नाम सुने हो? कबीर दास का नाम सुन ले, कबीर जी क्या कहते हैं? बोले मरने में सब जग डरे मेरा मन आनंद। कहते अभी कोरोना आई थी ना, सबके सब घर में बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले हम कोई मरना नहीं चाहते। बताओ कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहते हैं? लेकिन यहाँ कबीर कहते हैं, बोले भैया मरने के लिए तो दुनिया डरता, लेकिन मैं खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया तुम खुश क्यों हो रहे हो? दुनिया तो डर रहे हैं। देखो कितनी कीमती बात कहता है। बोले दुनिया क्यों डर रहे हैं मरने के लिए? बोले मरने के बाद बेहतरीन नदी पार करना पड़ेगा। सुना था ना भगवान कह रहे थे, ताटी पेशाब खून पीप की, ये नदी को 13 दिन लगता है पार करने के लिए। इसलिए भारत में 13 दिन के बाद में शुद्धि क्रिया होती है, फिर 84 नरक में, फिर अगले जीवन में कौन सा जन्म होगा कोई पता नहीं, पेड़ पौधा जानवर कौन सा जीवन होगा। इसलिए कबीर कहते इसलिए सब डर रहे हैं, प्रभु का भजन नहीं किया। बोले तुम क्यों खुश हो? देखो क्या कहते हैं, कहते मैंने जिंदगी भर मैंने प्रभु का माला जप किया, मेरे को पता है मेरे लिए VIP व्यवस्था होगी, मेरे लिए तो वैकुंठ से रथ आएगा, मैं रथ में बैठी करके मैं भगवान का धाम में जाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रभु का मैंने भजन किया जिंदगी भर। अरे यही धन ही काम में आएगा। यहाँ जोर से बोलो तीन, क्या क्या? देखो संत क्या कहते हैं, मतलब पहला लाभ है नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले इसका नाम को यहाँ से काट दे, ये हरि का नाम ले रहा है ना ये। बोले रजिस्टर ले आ। बोले किस लिए? बोले इसका नाम को यहाँ पर लिख दो। बोले किस लिए? बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, वो सीधा गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सखी बन कर जाएगा। ताली बजाओ जोर से। भगवान का जो नाम जब करती है राधा रानी कहती है, वो सीधा मेरे पास में आएगा। बोले तीसरा लाभ किया, बोले बीच ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले किस लिए? बोले वो व्यक्ति जब भूर भूभ मोह जना सत्य लोक को पार करते हुए जाएगा, उसको मैं बीच में मैं उसको आरती उतारूंगा। मतलब इतने लाभ है जो भगवान के नाम को जप करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बात कहते हैं, बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। बोले हे अर्जुन, ये मेरे नाम को कौन ले सकता है? बोले जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक, बोले 1 जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक पूर्व जन्म में भगवान की सेवा पूजा की है, तभी इसी जीवन में कोई भगवान के नाम को वही व्यक्ति ले सकते हैं। इसलिए इतने महिमा जो भगवान के नाम को लेते हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। अभी हम लोग गिरिराज की कथा सुनते हैं। हम लोग कौन कौन गिरिराज गए हो? हाथ उठाओ तो। कौन कौन गिरिराज गए? हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, स्वयं कृष्ण उनकी पीछे 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 घूमते हैं। बोले क्यों? बोले इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, इसको मैं क्या दूं? बोले गिरिराज परिक्रमा करते हुए अब गिरिराज से जो कुछ मांगो, गिरिराज जी सारे इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं। इसलिए गिरिराज जी का एक नाम है
सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब गिरिराज से जो कुछ मांगो गिरिराज सारी इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी कर देते हैं। इसलिए आप लोग गिरिराज में देखे होंगे पेड़ में धागा बंधा हुआ देखे होंगे, गिरिराज कोई दूध से अभिषेक करते हैं, कोई दूध की धारा से परिक्रमा करते हैं, देखे कि नहीं? बोले क्यों? बोले गिरिराज ने जिसकी इच्छा पूरी कर दी है सबके सब आ करके आप देखना 12 महीना गिरिराज में छापान भोग होता है। गिरिराज सबकी इच्छा को गिरिराज जी पूरी करते हैं, सबको इच्छा तो पूरी करते हैं, यहाँ तक भी कृष्ण की इच्छा भी गिरिराज पूरी करते हैं, क्योंकि जो कृष्ण गिरिराज धारण किए हैं इसलिए किए हैं, बोले रासलीला के लिए। कृष्ण चाहते हैं ये ब्रज गोपियों को कैसे आकर्षण करे, इसलिए रासलीला कृष्ण करेंगे। इसलिए जब कृष्ण गिरिराज गोवर्धन धारण की, जितने ब्रज गोपियां थी कृष्ण को देख करके बोले बाबा रे इतने बलवान, 7 दिन तक 7 क्रोश और उन्होंने 7 साल उम्र में गिरिराज को धारण कर लिए। बोले श्री गिरिराज बाबा की, इतने महिमा गिरिराज की। आज देखो गिरिराज की परिक्रमा दुनिया करते हैं, लेकिन गिरिराज की कृष्ण की परिक्रमा दुनिया करते हैं, लेकिन कृष्णा कृष्ण के किससे की परिक्रमा की है? गिरिराज की परिक्रमा की। सारा दुनिया बांके बिहारी जी की पूजा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसकी पूजा की? बोले गिरिराज की। भगवान कृष्ण को दुनिया उठा कर रखते हैं, लेकिन कृष्ण उठाए तो किसको हाथ में उठा कर रखे? गिरिराज महाराज को उन्होंने उठा कर रखे। इसलिए भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए, भगवान सब कुछ लेकर गए, लेकिन केवल हमारी कल्याण के लिए ठाकुर जी 3 चीज को छोड़ कर गए। बता सकते हो 3 चीज में क्या? 3 चीज है। एक है गिरिराज बाबा, दूसरी चीज है यमुना पटरानी, और जो तीसरी चीज है ये वृंदावन धाम। भगवान हमारी कल्याण के लिए ठाकुर जी यही 3 चीज को ठाकुर जी छोड़ कर गए जिसमें हमारी उधार हो। बोले श्री गिरिराज बाबा की। हाँ सुना, अब ये गिरिराज गोवर्धन जगत में कैसे आए? बोले एक समय गोलोक वृंदावन में कृष्ण राधा रानी को बोले, बोले राधे मैं ये मरते जगत में जाना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी? राधा रानी बोले मैं नहीं चलती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटरानी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, जहाँ पर गिरिराज बाबा नहीं, मैं नहीं जाती हूँ। कृष्ण बोले राधे ये जो गोलोक वृंदावन में जो कुछ देखते हो, जब मैंने ये मरते जगत में उतरूंगा पूरा के पूरा ये गोलोक वृंदावन लेकर के उतरूंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ में मेरे सखियां भी जाएगी, तेरे पिता माता मेरे पिता माता ग्वाल वाल जाएंगे, तू अकेले थोड़ी आओगे, तेरे भी सखियां तेरे भी पिता माता और ये गोलोक वृंदावन पूरा जाएगा, जमुना सब जाएंगे। तब राधा रानी बोली फिर तुम्हें चलूंगा। इसका मतलब है ये जो गिरिराज गोवर्धन इसी जगत का कोई पहाड़ नहीं है, ये जगत का कोई पहाड़ नहीं, इसलिए जीव के कल्याण करने के लिए गिरिराज इसी जगत में श्री द्रोण और धरा जी बेटे बन करके सालमली द्वीप में स्वयं गिरिराज जी गोलोक वृंदावन से प्रकटित हुए। जब प्रकटित हुए समस्त देवता गिरिराज के ऊपर में पुष्पों की बौछार की और गिरिराज की जयकार दिए। बोले गिरिराज बाबा की। इसलिए ब्रज में और विशेष करके जो गुजर जातियों का कहते हैं उनका देव दो देवता है, एक मोहन बाबा और एक गिरिराज बाबा है, गिरिराज बाबा है। इसलिए गिरिराज सबकी इच्छा को पूरी करने वाले ये गिरिराज बाबा है। और दूसरी पुराण में आई है ये गिरिराज प्रकटित कहाँ से हुए? बोले प्रकृति है मनसा जात। बोले राधा रानी के हृदय से ये गिरिराज प्रकटित हुए। दूसरी पुराण में आती है गिरिराज कहाँ से प्रकट हुए? बोले कृष्ण के नेत्रों से, कृष्ण की आंखों से ये गिरिराज गोवर्धन प्रकटित हुए। बोले इनका नाम गिरिराज गोवर्धन क्यों नाम पड़ा? बोले गिरिराज मतलब होता है जितने गिरियों में जो राजा है, सारे पर्वत में जो राजा है। इसलिए क्योंकि जैसे वृंदावन में देखो एक ब्रह्माचल पर्वत है, बरसाना है,
दूसरे पर्वत है नंदीश्वर पर्वत, स्वयं शंकर जी है वहाँ पर, सखी गिरी पर्वत है वृंदावन में, सखियों ने पर्वत रूप धारण किया है। लेकिन ये गिरिराज कौन है? पर ये गिरिराज स्वयं भगवान कृष्ण ही ये गिरिराज रूप में प्रकट हुए। दूसरे पुराण में आते हैं भगवान विष्णु ही ये गिरिराज रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए कृष्ण एक स्वरूप में पूजा की और दूसरे स्वरूप में कृष्ण ने पूजा को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए ये गिरिराज स्वयं विष्णु है और गिरिराज स्वयं श्री बांके बिहारी है। तीसरे रूप में राधा रानी कहती है बोले हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्य, बोले भगवान की सबसे बड़े जो सेवक है ये गिरिराज गोवर्धन है। क्योंकि कृष्ण गिरिराज में गैया चराते हैं, झरना का पानी पीते हैं, फल मूल वहाँ से खाते हैं, गन्ने भी भगवान गन्ने भी खाते हैं वहीं से, बड़े सुंदर मधुमक्खी की छता भी बनता है, गैया घास खा करके दूध देते हैं, दूध से मलाई दूध से मिठाई भी बनती है। गिरिराज बड़ी इतने तरह से, इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। गो मतलब होता है इंद्रियां, गोप गोपी सभी की इंद्रियों की जो वर्धन करने वाले बढ़ाने वाले हैं, कृष्ण के भी इंद्रियों को बढ़ाने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन है। बोले गिरिराज बाबा की। बोले एक समय रात भर मैया जसोदा लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई कढ़ी चावल तरह तरह का पकवान बना रही थी। कृष्ण गए बोले मैया मैया तू रात भर ये लड्डू कचौड़ी क्यों बना रही हो? क्या कल मेरे जन्म तिथि? बोले नहीं लाला। बोले दाऊ भैया का? बोले नहीं। बोले फिर ये रात भर क्यों बना रही हो? बोले जा बाबा को अस्मिता, पता है ना कृष्ण भी छोटे बच्चे हैं, पता नहीं किसमें हाथ मार देंगे मुंह मार देंगे झूठा हो जाएगी। बोले बाबा के पास में जा, बाबा को पूछू। अभी कृष्ण गए नंद बाबा की गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा ये मैया ये रात भर ये पकवान क्यों बना रही है? ये इसका देवता कौन है? क्यों किसको पूजा करेंगे? इसलिए किसकी पूजा करना चाहते हैं? कृष्ण तरह तरह का उन्होंने प्रश्न की। नंद बाबा ने सोचे अगर इसको छोटे मोटे बात बताओ ना ये फिर काट देगा। बोले बेटा हम लोग सबके सब ग्वाला हैं, हमारे जो मूल धन है गैया और जो स्वर्ग का राजा इंद्र इसकी अधीन में रहता है मेघ, और ये इनकी अधीन में रहने का वजह से ये बारी बरसाता है, बारिश से घास होता है, गैया घास खाते हैं, घास से दूध, दूध से क्या होता है दही, दूध दही उससे मक्खन उससे घी। अब देखना पहले पहले क्या होता था, इतने साग सब्जी नहीं, रोटी गुजरे में घर में देखो रोटी और छाछ और गुड़ बस यही भोजन है पहले यही जिसके घर में, इसलिए हर घर घर में गैया पालते थे सबके सब हर घर घर में। इसलिए बोले लाला इसलिए गोधन कहते हैं। पहले क्या होता था जिसको पास में जितने गैया उतना बड़ी आदमी बने जाते थे। नंद बाबा राजा थे, कितने गैया थी? 9 लाख। लेकिन उनसे भी वृषभ महाराज बड़े, क्यों? उनके घर में 11 लाख गैया। पहले जिसको घर में जितने गोट है उसको उतना ही बड़े सेठ माना जाता था। इसलिए बोले लाला ये सब कुछ हमें देते हैं इसलिए इंद्र पूजा करते हैं। कृष्ण बोले बाबा ये बताओ ये क्या जंगल क्या इंद्र को पूजा करता है? ना ये नदी ना समुद्र को इंद्र को पूजा करता है? वहां पर बारिश होती कि नहीं? नंद बाबा चुप। बोले हाँ बारिश होता होगा। बोले पिताजी हम जैसे कर्म करते हैं ना ये कर्म के अनुरूप हम फल भोग करते हैं, ये इंद्र कुछ देने वाले नहीं बाबा। हमारी जो जो मेघ बरसाती है ना ये जो गिरिराज इतने बड़े मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में, और यहाँ पर हरी भरी जंगल है इसलिए अपने आप ये मेघ को आकर्षण करके बारिश होता है, ये इंद्र इंद्र कुछ करने वाले नहीं। हमारी ब्रज का जो देवा है देवता है गिरिराज बाबा है, क्योंकि जितने फल फूल सब तो गिरिराज से मिलता है, गैया घास गिरिराज से खाते हैं, और हमारी एक देवता गिरिराज, दूसरे देवता ब्राह्मण और तीसरे देवता गैया हमारी, ये प्रत्यक्ष देवता बाबा। बोले बाबा ये बताओ आप कितने सालों से इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से जोश आया। बोले अभी तक देखा है इंद्र को?
बोले नहीं लाला, बोले जब आप श्री गिरिराज की पूजा करोगे बाबा, ये गिरिराज स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देंगे, और जो कुछ मांगोगे धन दौलत पुत्र परिवार सब गिरिराज बाबा देने वाले। बोले लाला हमें इन्हीं आंखों से गिरिराज दर्शन होगा। बोले हाँ बाबा। बोले भैया हमें कभी भी अभी तक हमने कैसे ठाकुर को देखो ही ना, गिरिराज दर्शन देगा। बोले हाँ। बोले लाला फिर तो आज से हम गिरिराज पूजा इंद्र पूजा नहीं करेंगे, पूजा करेंगे तो श्री गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की। नंद बाबा बोले ढिंडरा पिटवा दो ब्रज में, कल हम श्री इंद्र नहीं गिरिराज की पूजा करेंगे। जितने ब्रजवासी थे जो एक किलो का बना रहे थे पूरी, बोले हम 2 किलो आटा का पूरी बनवाएंगे। जो आधा किलो बेसन का बना रहे लड्डू, बोले गिरिराज बनाएं 1 किलो लड्डू बनाएंगे। जो 5 किलो बना रहे थे हलवा, बोले हम बनाएंगे 10 किलो बनाएंगे। जो जितना जितना बना रहे थे ना सब डबल डबल बनाए। 4 तरह का तो चावल बनवाए, पता नहीं अब कितने तरह का चावल बनाए। एक मीठी चावल, एक होता है फीका चावल, एक मटर पनीर डाल करके बनवाए, और एक है क्या बनवाए, एक है काजू पिस्ता डाल करके। बोले 4 तरह का तो चावल बनवाए, 5 तरह का दाल बनाए, उड़द की मटर की अरहर की मूंग की, कितने तरह का दाल बनवाए। राजस्थान से कोई है यहाँ पर? राजस्थान से कोई है? 2-3 है, इसलिए दाल बट चूरमा भी बनाए। बोले 2 तरह का चूरमा बनवाए, आज बनाए कि नहीं? फिर एक हंसना एक रोना। हंसना मतलब क्या है, जिसको पतल में रखते ही खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है। इसलिए वहाँ पर जितने तरह का ड्राई फ्रूट फल फूल इतने बनाए ना, उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या, रोटी का पर्वत, कूट मतलब पर्वत, जलेबी का पर्वत, समोसा का पर्वत, रसमलाई का पर्वत, इसलिए उसका नाम है अन्नकूट। ब्रज में कितना गांव है, अभी भी ब्रज में देखोगे 300-500 गांव, अभी तरली बरली सही ऊंचा गांव, और है वहां पर बैठा। अभी भी ब्रज में जाओगे तो 300-500 गांव मिलेगा। इतना यहाँ भोजन लेकर के आए, इतना पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया भोजन भोजन में, इतने प्रसाद लाए। बोले एक काम करो, हर गांव के प्रसाद अलग अलग रखो, क्योंकि नहीं तो बाद में बर्तन को लेकर लड़ाई होगी, हमारी ये बर्तन हमारी ये बर्तन, इसलिए बर्तन को लेकर लड़ाई होगी। सब अलग अलग रखो अलग अलग गांव में, और भगवान कृष्ण स्वयं पंचामृत दे करके पुरुष सुप्त मंत्र से कृष्ण स्वयं गिरिराज को उन्होंने अभिषेक करवाया। अभिषेक करके जो वहाँ पर प्रसाद लाए थे सबको ऊपर में तुलसी की पत्ता रख दिया, और गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने इदम आसनम इतत पाद्यम इतत नैवेद्यम इतत सघृत नैवेद्य उपकरणम बोल करके गिरिराज को उन्होंने अर्पण किया। जब अर्पण किया सचमुच से वहाँ पर गिरिराज स्वयं वहाँ प्रकट हुए, इतने विशाल रूप लेकर के गिरिराज जी खड़े हुए थे, सबके सब दर्शन कर रहे थे। गिरिराज कहते देखो मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन ये गिरिराज स्वयं कह रहे हैं, आज का दिन ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना जिसने मेरे को भोग लगाया, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये गिरिराज स्वयं ये बात बताए। इसलिए आप जाकर के देखो 12 महीना गिरिराज में अन्नकूट, 12 महीना चलती अन्नकूट है, क्योंकि सबकी इच्छा गिरिराज जी पूरी करने वाले इतने में। और गिरिराज जी बोले जो व्यक्ति ये गिरिराज पूजा को अनादर करेगा जन्म जन्मांतर में भीख मंगा मिलेगा, ये गिरिराज स्वयं बोलती है बात को। इतने में जब गिरिराज हाथ दिया ना, गिरिराज स्वयं हाथ बढ़ा बढ़ा करके जितने वहां पर दाल चावल था हाथ बढ़ा बढ़ा करके ग्रहण कर लेते, हाथ बढ़ा बढ़ा करके खा रहे थे, और मिनट में सब कुछ गाँव का नाम आंध्र ग्राम, फिर वहीं पर गिरिराज की भोग लगी थी। इतने में ब्रजवासी बोले ठाकुर जी हम गरीब ब्रजवासी, इतने से हम संतुष्ट हो जाओ। तब उनको तांबुल दिया, तालाब के तालाब पानी, और वहाँ पर बरना आता है, जब गिरिराज खाने के बाद जैसे मुंह धोते है ना,
गिरिराज जी खाने के बाद उन्होंने जब मुंह धोने के लिए पानी लिया और उन्हें जब पानी को जहां पर फेंका तो पानी फेंकते ही वहां हीरे जवाहरात प्रकट हो गए। हीरे जवाहरात प्रकट हो गए वहां पर जहां पर गिरिराज ने पानी को जहां पर फेंका, देख देख कर लोग तरस रहे थे। लेकिन गिरिराज सब कुछ भोजन कर लिए। अभी कृष्ण का सखा था मधुमंगल ब्राह्मण, ब्राह्मण थोड़ा भोजन लोभी है, ब्राह्मण को थोड़ी सी भोजन अच्छा लगता है और मोदक प्रिय है, मीठा प्रिय है। इतने में मधुमंगल ने कहा, कन्हैया अगले साल से ना तेरे गिरिराज की पूजा हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इतने भूखे तेरे गिरिराज जी, एक पिनका भी रखे नहीं, सबके सब खा लिए। अरे जब हम इंद्र पूजा करते थे इतने प्रसाद बचता था, 20 दिन तक हम खाते थे सूखे प्रसाद को, और तेरे भूखे ऐसे ठाकुर सबके सब खा लिए, अगली बार से ना तेरे गिरिराज पूजा पूजा नहीं करेंगे। कृष्ण बोले हमारे गिरिराज को ऐसे मत समझा, आंख बंद करो। सबके सब आंख बंद किया तो गिरिराज जी हाथ घुमा लिया, जितने 1 किलो का जो लड्डू लाए थे हो गया 2 किलो, 2 किलो का रसगुल्ला हो गया 4 किलो, 5 किलो का सूजी जो हलवा 10 किलो हो गया, सब डबल डबल। मतलब क्या है, ठाकुर को जो भोग लगाते हैं ना कभी कमी नहीं पड़ता है प्रसाद में, इसलिए सबके सब डबल हो गया। सबके सब जितने ब्रजवासी तरह से उठे, बोले भैया हम तो ठगी गए। बोले क्यों? हमको के पता नहीं था डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा बना कर लाते। कृष्ण ने कहा भैया कोई चिंता मत करो, भजन करो, चलो खाते पीते हुए जितने बड़े बूढ़ों को तो बैलगाड़ी में बैठा दो और चलो सबके सब खाते पीते हुए हम गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी बड़े सुंदर वर्णना की है, पहले चल रहे थे ब्राह्मण संत लोग, उसको पीछे जितने गैया वही परिक्रमा कर रहे थे, उसको पीछे पुरुष और सबसे पीछे माताएं थी और सबसे पीछे से राधा रानी चल रही थी। जब उन्हें थोड़ी दूर तो चले, अभी राधा रानी मन मन में सोच रही है अगर कृष्ण सचमुच से मेरे प्रियतम होंगे तो मैं चाहता हूँ कृष्ण एक बार मेरे को दर्शन दे। अभी राधा जी की मन की बात कृष्ण समझ गए, बोले तो मैं तो बीच में राधा रानी, पीछे दर्शन कैसे दूं। इतने में कृष्ण जो गैया चराने का जो लकुटी था ना, वो लकुटी को उन्होंने इसे फेंके ऊपर में, फेंक करके जब उसको पकड़ने के लिए गए, कृष्ण की दो हाथ और राधा जी की पीछे से दो हाथ मिल करके 4 हो गया, तो दोनों दोनों से मिले, दर्शन कर लिए। राधा रानी तो प्रेम में गदगद हो गई। फिर जब थोड़ी दूर चले, राधा रानी सोच रही है एक बार कृष्ण मेरे को स्पर्श करे। अभी राधा रानी पीछे, कृष्ण बीच में कैसे स्पर्श करे। इतने में कृष्ण ने किया कि एक बछड़े को पीछे मुंह करके ना उसको पूछ को उन्होंने ऐंठ दिया, ऐंठ दिया तो इतने में वो बछड़ा फुदकते हुए पीछे पहुंच गया। कृष्ण बछड़े को निमित्त बना करके पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर दिया। राधा रानी का हृदय गदगद हो गया। फिर राधा रानी सोच रही है कृष्ण और भी एक बार दर्शन दे। बोले कैसे दर्शन दे? कृष्ण की गैया चरने का लकुट था जिसमें हीरे जवाहरात से जो भरा हुआ है। इतने में कृष्ण लकुट के ऊपर, इतने में कृष्ण का जो परछाई ना, वो जो हीरे जवाहरात जड़ा हुआ था परछाई उसमें प्रतिबिंब हुआ। इतने में राधा रानी पीछे थी, उनका भी प्रतिबिंब उसमें, उनका छवि भी प्रतिबिंब हुआ, वो प्रतिबिंब में ही राधा कृष्ण दोनों मिले। और ऐसे खाते पीते हुए पूरा के पूरा उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उन्होंने परिक्रमा की। अभी हम भी ये जो गिरिराज है ना, थोड़ी देर बाद में इसको बीच में रख लेना और एक लड्डू गोपाल भी बीच में रख लेना, बाद में सबके सब परिक्रमा कर लेंगे। हाँ, बच्चा बनाया लेकर के आ जा। हाँ, और देखो कल कथा के विश्राम का दिन है, कथा के विश्राम का दिन है, कल कृष्ण रुक्मिणी की शादी है, आप लोग बढ़िया सज धज करके आना। अगर कोई राधा रानी के लिए साड़ी लेना चाहते हो, अगर कोई अच्छे साड़ी ला दोगे तो फिर हम वृंदावन में राधा रानी को पहनाएंगे, ठीक है? और कल सुदामा जी का चरित्र है, आप लोग घर से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आना। जैसे कृष्ण दो मुठी चिड़वा खा करके त्रिभुवन का राज्य दे दिया था, कथा के बाद में यहाँ से हम थोड़े थोड़े चावल आपको दूंगा, वो चावल ले लेना, लाल कपड़े में एक सिक्के बांध करके कहते ठाकुर जी के घर में रखने पर कहते घर में लक्ष्मी कभी घर से जाती नहीं, घर में लक्ष्मी टिकी रहती है। इसलिए घर से थोड़ा थोड़ा आप लोग कल चावल लेकर के आना। और जो परसों है, परसों यज्ञ है सवेरे, और उसको बाद में सभी के लिए प्रसाद का भी व्यवस्था है।
और विशाखा दीदी बोल रही थी कल कल क्या बनाएंगे, क्या खीर, विशाखा दीदी बोल रही थी कल सबको के लिए खीर का प्रसाद है, खीर का प्रसाद है कल और परसों भंडारा है, अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा खीर सब बनाकर घर से ला दें। तब किसको ले आओगे आप विशाखा दीदी, विशाखा दीदी किसको ला दें, तो बर्तन कितना बढ़िया, हरे कृष्णा बर्तन कृष्णा हरे, हाँ अपना अपना बर्तन लेना, आज सभी के लिए आज प्रसाद है, आज कुछ कुछ भक्तों ने कढ़ी चावल सब बना करके लाए, जो घर से कढ़ी चावल बना कर लाए उनके लिए ताली बजाओ, कम से कम गिरिराज के लिए कढ़ी चावल भोग लगा दो, इसके बर्तन है तीन, मकान नंबर 330 से लेना सब, जिसको बर्तन लाए हैं मकान नंबर 330 के सामने, सामने वाले घर 330 नंबर। हरे कृष्णा, जब ये कथा के बाद में जिनकी इच्छा हो कि हम एक माला जप करेंगे, ये कथा आप लोग यहाँ आकर के माला लगेगा और घर में बैठ बैठ कर हरिनाम करना, जब संपूर्ण पिया जो उसमें छोड़ दोगे फिर उसके बाद में हम लोग को तुलसी माला दूंगा, और विशाखा दीदी जो माला लेकर के जाओगे, विशाखा दीदी तो यहीं रहती है, हम लोग उनसे जुड़े रहना, फिर भक्ति तुम्हारी बैठते रहेगी, ठीक है। एक बार सबके सब खड़े हो जाओ, गिरिराज गिरिराज का कीर्तन गाएंगे सबके सब, गिरिराज कीर्तन में सब नृत्य करना सकते, we'll be right back.
Oh,